हेलो 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 क्या हो गया? हेलो 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 ओके कैन वी गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Hi sir, good morning everyone. Good morning, sir. How are you guys? अभी तक तो जिंदगी ठीक लग रहा है तुम्हारा। Give it few more days. After 10-15 days, I'll ask you the same question again. Hopefully, आपका excitement उतना ही रहे। I'm saying all the best to myself. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। कल हमने ईआईएस में चैप्टर नंबर 1 दैट इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन डिस्कस करना शुरू किया था। फटाफट से एक बार 5 मिनट में रिवाइज करते हैं हमने कल का डिस्कस किया एंड देन विल गेट स्टार्टेड अहेड। चलो कल हमने ईआईएस में चैप्टर 1 जब शुरू किया वी स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक वर्ड कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। सर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज को डिजाइन करते हो वो हमारे लिए बिजनेस प्रोसेस कहलाता है। मतलब इट कैन स्टार्ट विथ एक रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर के गुड्स को बेचना, कस्टमर को एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना, फिर आपके लिए मतलब इन्वेंट्री काउंटिंग का एक प्रोसेस हो सकता है। मतलब एनी प्रोसेस विच इज गेटिंग कैरिड आउट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस कैन बी कॉल्ड एज अ बिजनेस प्रोसेस। अब सर इन बिजनेस प्रोसेस को इन्होंने याद किया 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। डू यू रिकॉल दैट 3 ब्रॉडर कैटेगरीज। पहला कैटेगरी बनाया उन्होंने प्राइमरी प्रोसेसेस, जो भाई डायरेक्टली वैल्यू एडिशन करके देगा मेरे कस्टमर को। नॉर्मली गाइज कन्वेंशनल बिजनेसेस बोलते हैं P2P दैट इज आर परचेस प्रोसेस, ऑर्डर टू कैश दैट इज आर सेल्स प्रोसेस। ये हमारे प्राइमरी प्रोसेसेस हो गए जो हमारे कोर ऑपरेशंस में डील करते हैं। किसमें डील करते हैं? कोर ऑपरेशंस में। इसलिए इनको ऑपरेशनल प्रोसेसेस भी बोला है और प्राइमरी प्रोसेसेस भी बोला है। बट आई रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट हमेशा ये वेरी करेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे हमारे लिए कुछ और प्रोसेसेस भी कोर प्रोसेसेस रहेंगे। ये सब्जेक्टिव है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगा उनके लिए कौन सा प्रोसेस कोर रहेगा और कौन सा प्रोसेस सपोर्टिंग प्रोसेस रहेगा। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो हर कंपनी के लिए यही प्रोसेस बेस्ट होना चाहिए। एक बात सोचिए,
इफ यू थिंक अबाउट द सेम बिजनेस मॉडल लाइक जोमैटो, वो तो कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर भी नहीं करता होगा शायद, तो उसके लिए आप पी टू पी को कोर प्रोसेस कैसे बोल सकते हो आइडियली, मतलब वो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस हो गया। तो अब हर एक बिजनेस सेटिंग के अंदर अपना तरीका रहेगा, बट थियोरिटिकली प्राइमरी प्रोसेस का मतलब क्या है वो हमने आपको बता दिया। देन वी वेंट अहेड एंड डिस्कस्ड सेकेंड कैटेगरी। व्हाट वाज सेकेंड कैटेगरी गाइस? सपोर्टिंग प्रोसेस, मतलब ये हमारे सेकेंडरी प्रोसेसेस हो गए जो हमारे प्राइमरी प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं बढ़िया से एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हमें डायरेक्टली वैल्यू एडिशन करके नहीं देंगे टू द कस्टमर डायरेक्टली, बट सर ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सपोर्ट प्रोसेस के बिना बिजनेस चल जाएगा। हर प्रोसेस का अपना रेलेवेंस होता है आइडियली। सर यहां पे उन्होंने एचआर प्रोसेस का एग्जांपल दिया था कि हर कंपनी में एक अच्छा एचआर डिपार्टमेंट होना एसेंशियल है। एचआर डिपार्टमेंट विल इंश्योर कि एक राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को राइट टाइम पे हायर किया जाएगा, ताकि वो अपना जो डेडिकेटेड डेजिग्नेशन बेस्ड फंक्शन है बढ़िया से परफॉर्म कर पाएगा। सिंपल है, अगर परचेस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो परचेस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए लोग भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो लोगों का हायरिंग, उनका मैनेजमेंट कौन इंश्योर करेगा? एचआर इंश्योर करेगा। तो इसीलिए हमारे लिए सपोर्टिंग प्रोसेसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, मानते हैं वो डायरेक्टली वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं टू द कस्टमर। थर्ड कैटेगरी क्या था? दैट वाज द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये थोड़ा सा आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। दैट इज वेयर द प्लानिंग टेक प्लेस, दैट इज वेयर यू कैन से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जहां पे बेस्ड होता है ना, वो मैनेजमेंट प्रोसेसेस हो गए कि कैसे हम चीजों को बेटर मैनेज कर पाएंगे। लेट्स से किस बिजनेस के अंदर हमें एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए, किसके अंदर वी शुड थिंक ऑफ डाइवेस्टमेंट मे बी। ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है ये मैनेजमेंट लेवल पे परफॉर्म किया जाएगा। आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तीन लेवल्स पढ़ाएंगे। स्कूल में आपको पढ़ाया था क्या, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल? वही तीन लेवल अब बन जाएंगे, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। वही तीन लेवल्स होते हैं, बस द टेक्निकल टर्म्स विल कम हियर नाउ। कॉर्पोरेट लेवल आ जाएगा, बिजनेस लेवल आ जाएगा। एग्जांपल, आईटीसी का कॉर्पोरेट ऑफिस रहेगा, फिर आईटीसी में टबैको एक बिजनेस है, उसको हेड करने वाला एक इंसान रहेगा। आईटीसी का होटल एक बिजनेस है, उसको हेड करने वाला एक इंसान रहेगा। वो बिजनेस लेवल मैनेजर्स बन जाएंगे। फिर अंडर बिजनेस लेवल मैनेजर्स हमारे पास होते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर। क्या होते हैं? फंक्शनल लेवल। फॉर एग्जांपल, परचेज फंक्शन हो गया, सेल्स फंक्शन हो गया, मार्केटिंग फंक्शन हो गया। इन सब अलग अलग फंक्शंस के लिए हमारे पास में अलग अलग मैनेजर्स को हायर किया जाएगा। ऐसे तीन लेवल पे हायरिंग होगा और तीन लेवल पे स्ट्रेटेजाइजिंग होगा। क्या होगा? तीन लेवल पे जहां जहां आपका एक लीडर होगा वहां पे वो हमेशा कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा। चाहे वो परचेज हेड है तो भी स्ट्रेटेजी बनाएगा, वो एक बिजनेस का हेड है तो ऑब्वियसली थोड़ा हायर लेवल का स्ट्रेटेजाइजिंग करेगा, और ऑब्वियसली कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा है तो शायद थोड़ा बड़ा लेवल का स्ट्रेटेजाइजिंग करेगा कि भाई अगर मेरे को पैसा इन्वेस्ट करने का है, सो एज आईटीसी कॉर्पोरेट ऑफिस आई विल मेक अ डिसीजन, शुड वी इन्वेस्ट मोर मनी इन अ टबैको बिजनेस और शुड वी इन्वेस्ट मोर मनी इन द होटल बिजनेस, और मे बी नॉट बोथ, शुड वी मूव टू एफएमसीजी मोर। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो थोड़ा और हायर लेवल पे लिया जाएगा। ये आपको इंट्रोड्यूस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। यही चीजें थर्ड प्रोसेस में आती है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट प्रोसेसेस, जहां पे चीजों को बेटर प्लान किया जाएगा, बजट्स प्रिपेयर किए जाएंगे ताकि हम बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये कंट्रोल डिफाइन किया जा सकता है। थोड़ा सा इट विल साउंड लाइक योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हेन वी विल डिस्कस दिस यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर। अभी के लिए तीन कैटेगरी ऑफ प्रोसेसेस समझे क्या आपको, कल आपने लिखे थे, आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दीस थ्री गाइस? फिर हम यहां से आगे बढ़े एंड वी वेंट अहेड टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बीपीए। बीपीए में गए थे हम, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। बहुत चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट था ये। इसने क्या बोला, जो आपका बिजनेस प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी का तड़का लगा दो, मतलब बॉटम लाइन मेक इट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, जिससे शायद कुछ मैनुअल इंटरवेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल है, मैनुअल का ऑपोजिट है ऑटोमेशन। सो इफ आई से हमें ऑटोमेशन लाना है, मतलब हमें मैनुअल इंटरवेंशन कम करना है, मतलब दैट इज पॉसिबल ऑलवेज थ्रू अ टेक्नोलॉजी। इन सिंपल टर्म्स, कोई भी बिजनेस प्रोसेस में अगर आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर दें तो शायद वो प्रोसेस हमारे लिए कहलाएगा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। ये चीज हमारे लिए था बीपीए। अब आज का पूरा डिस्कशन हमारा बीपीए के अराउंड रहेगा। चैप्टर वन का जो पार्ट ए है गाइस, हम हमेशा चैप्टर को ऐसा लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का जो पूरा डिस्कशन है वो हमारा पार्ट ए के अंदर होने वाला है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली मेजर पार्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर इस चैप्टर में एक नया चीज शुरुआत करेंगे, दैट विल बी रिस्क एंड कंट्रोल, वो हमारे लिए पार्ट बी रहने वाला है। लॉजिकली पूरे चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स है,
पूरे चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स है अगर मैं एग्जाम पॉइंट पे सोचूं, बट इंडिविजुअली हर एक पार्ट मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है. पार्ट ए एंड बी काफी अच्छा है, काफी रेलेवेंट है. पार्ट सी थोड़ा यूजलेस रहेगा, यू विल अंडरस्टैंड. पार्ट डी अगेन विल बिकम मोर लॉजिकल, बट अगेन पार्ट डी इज रिलेटेड टू योर कंपनीज एक्ट. वहां पे थोड़े सेक्शंस का रेफरेंस आएगा, तो शायद मुझे पता है जब तक वो ऑडिट में और डिटेल में कवर नहीं होगा, आई विल नॉट पुश दैट ऑन यू अगेन. मतलब मैं ट्राई करूंगा एक इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड करें कि हम वो चीज तभी पढ़ें जब आप समझ सकते हो. मेरे को लगता है मैं जबरदस्ती वो चैप्टर के बीच में आ रहा है उसे जबरदस्ती कवर करने का ट्राई नहीं करूंगा. दैट इज व्हाई आई विल स्किप सर्टेन पार्ट्स इन एवरी चैप्टर, बट डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द डे आई नो हाउ टू कम बैक टू देम एंड कवर एवरीथिंग इन डिटेल. इज दैट क्लियर? तो आज हम पार्ट ए को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं. चलो, बीपीए का मीनिंग आपको पढ़ाया था कल. कुछ हमने बीपीए के स्टेप्स भी पढ़े थे क्या? और कुछ होमवर्क दिया था क्या आपको? मैंने किया क्या होमवर्क? पक्का? तो फर्स्ट डे तो एटलीस्ट होमवर्क किया क्या? तो आगे तो तुम्हारा क्या होगा मेरे को नहीं मालूम है. कितने लोगों ने होमवर्क किया? बी ऑनेस्ट. और मैंने तुमको पीडीएफ भी नहीं भेजा था, तो तुम आईसीए मॉड्यूल पे गए थे क्या? अच्छा, बुक से आ गया तुम्हारे पास, ठीक है. वीडियो तो तुमने देखा ही नहीं होगा यार. अच्छा, यूट्यूब पे जाकर के उसके अंदर स्टेप निकाल के. इतना मेहनत एक होमवर्क के लिए? दिस इज टू मच मैन. यू गाइस आर नॉट एफिशिएंट. तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया. इसके बजाय तुमने 8 स्टेप थोड़ा सा याद करने का ट्राई करना चाहिए था. कम से कम 2 बार क्लास में रिपीट किया था. यू शुड हैव ट्राइड कि मैं एफर्ट डाल के ट्राई करूं. कुछ ऐसा याद आएगा तुमको 8 स्टेप्स? चलो एक काम करते हैं, लेट्स कम बैक टू दोज 8 स्टेप्स. हाउ डू वी इंप्लीमेंट बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन? एक एक करके हर स्टेप को और डिटेल में डिस्कस करते हैं. ऑनलाइन पब्लिक, तुम्हारा क्या सीन है? पूछ लेना चाहिए, उनको अच्छा लगता है. वैसे भी कोई उनसे बात नहीं कर रहा, अकेले बैठे हैं घर पे. अकेले बैठे हैं वो तो अपने को मालूम नहीं है. मतलब ग्रुप स्टडीज कैन बी अ कॉन्सेप्ट. चलो अभी के लिए लेट्स गो टू दी स्टेप्स. इफ यू हैव बुक्स इन योर मॉड्यूल, द फर्स्ट मॉड्यूल. अच्छा, क्लियरली बोल देता हूं, अगर आप बुक्स कलेक्ट कर रहे हैं, EIS का आपको फर्स्ट मॉड्यूल कैरी करना है जब तक हम चैप्टर 1 and 2 डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड मॉड्यूल का कोई रेलेवेंस नहीं है. वंस वी आर डन विद 1 and 2, आई विल टेल यू कि आपको मॉड्यूल 2 लेके आना है. साथ साथ में क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल आप नहीं लाएंगे तो भी चलेगा. जिस दिन Q&A डिस्कशन करना रहेगा, आई विल हैव अ स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन आंसर. यू डोंट नीड टू ब्रिंग दैट. आई नो तुमको बुक्स ज्यादा कैरी करने में वैसे भी बहुत तकलीफ होती है. शक्ल से तुम्हारा ये बुक्स है बहुत सारा. बॉटम लाइन, EIS में तुमको मॉड्यूल 1 लेके आना है. इज दैट क्लियर टू यू? सिमिलरली ऑडिट में भी तुमको फर्स्ट ऐसे मॉड्यूल लेके आना होगा. बाकी नोटबुक्स रोज लेके आने का है. इज दैट क्लियर? चलो, दीज आर द 8 स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. एक एक स्टेप को और डिटेल में डिस्कस करते हैं. आपके मॉड्यूल्स में इट्स ऑन पेज नंबर 1A.11. लुक एट द स्टेप नंबर 1. आई नो थोड़ा रिपीटेशन होगा, बट मैं चाहता हूं एक बार देखो, सुनो. ICA मॉड्यूल बेर मिनिमम एक बार पढ़ के समझना जरूरी है. देयर आर 2 वेज टू दिस. मैंने 8 स्टेप कल ही पढ़ा दिए थे आपको. मैंने आपको लिखवा भी दिए, समझा भी दिया था. एक बार फिर से रिवाइज करके मेरा काम खत्म हो सकता है. माय जॉब कैन बी डन. बट देन अजम्पशन ये है कि आप घर जाके ये पढ़ेंगे. वो अजम्पशन इकोनॉमिक्स वाला अजम्पशन हो जाएगा. समझ लो मेरा बात, विच इज नेवर ट्रू. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. तो मैं ये रिस्क, तुमको समझा नहीं होगा, इट्स ओके, बट मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूंगा. समझ लो मेरा बात, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूंगा. मेजोरिटी चीजें मैं एक बार ट्राई करूंगा. तुम मेरे साथ ही क्लास में एक बार रीड कर लो. आई नो इसमें से तुमको कुछ ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. बट वॉट हैपन्स समटाइम्स, ये जो एक्सप्लेनेशन होता है इसके अराउंड MCQ बिल्ड हो सकता है. सो इफ आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग और उन्होंने MCQ बना भी दिया इसके ऊपर, तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा. मुझे यहां पे ये कंटेंट याद करने का जरूरत नहीं होगा, ये समझने का जरूरत होगा. याद करने का जरूरत है, मेरे को 8 हेडिंग्स पता होने चाहिए, 8 स्टेप्स पता होने चाहिए, ICA का आंसर का काम हो जाएगा. डू यू गेट माय पॉइंट? बट समटाइम्स दे मे ट्रबल यू. ये अंदर का जो कंटेंट है उसके ऊपर एक अच्छा MCQ बिल्ड करके दे दिया, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप गलती करें. आइडियली वो अंडरस्टैंडिंग हम क्लास में एस्टैब्लिश कर लें तो और अच्छा रहेगा. तो अभी के लिए स्टेप नंबर 1. सबसे पहले जब आप कोई एक बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप सिंपल है यार. व्हाई डू यू वांट टू ऑटोमेट? दैट इज द मेन क्वेश्चन. यू रिमेंबर यस्टरडे आल्सो वी डिस्कस्ड कि कुछ कुछ चीजें हमारे कंट्री में शायद गवर्नमेंट ऑटोमेट नहीं करना चाहेगा. मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था सिम कार्ड वाला. आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल. इवन फॉर पार्किंग, जब आप MG रोड पे या कहीं पर भी, FC रोड पे तो पार्किंग होता ही नहीं है, मतलब होता है बट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? कितना पब्लिक है और जितना पार्किंग स्पॉट्स है उसका प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करके फायदा नहीं है. बट आप जब पार्किंग करने के लिए जाते हैं, आपको भैया ढूंढना पड़ता है बाजू वाला कि कौन है यहाँ पे जो आपको एक रिसीट फाड़ करके देने वाला है. बराबर है कि नहीं है? फिर हमारा पूना के अंदर तो P1 P2 भी है.
वो भी देखना पड़ता है आइडियली, और मतलब जिसको हिंदी में लिखा हुआ समझ में नहीं आता उसको तो डेट देख करके थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि P1 किधर है, P2 किधर है, बराबर है कि नहीं है आइडियली। मतलब कहीं ना कहीं इन सिंपल टर्म्स यू आर डिपेंडेंट ऑन अ ह्यूमन बीइंग कि मैं इधर पार्क करेगा मेरे को रिसीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिसीट बराबर है कि नहीं है, वो भी फेक हो सकता है, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार, समझ रहे हो मेरा बात। तो कैन आई से आर बी डिपेंडेंट ऑन समवन, व्हाट इफ देयर इज अ डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट, ठीक है, और गूगल मैप्स भी मेरे को दिखना चाहिए कि इस FC रोड पे अभी कौन सा पार्किंग स्पॉट अवेलेबल है। टू मच हो गया बट स्टिल दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं अपने घर से FC रोड जा रहा है मेरे को डर क्या पार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मेरे को दिख रहा है और काश मैं उसको रिजर्व कर पाऊं, दैट इज टू मच, वो मेरा बहुत ही हाई लेवल का एक्सपेक्टेशन हो गया। चलो मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, एटलीस्ट दिख रहा है कि 5-6 पार्किंग स्पॉट्स है, तो एटलीस्ट मैं FC रोड पे जाने से पहले श्योर हूं कि FC रोड पे पार्किंग मिलेगा। लेट्स से आई गो टू द पार्किंग स्पॉट, वाइडली वहां पे एक पोल के ऊपर कार्ड का मशीन का स्लॉट रहना चाहिए। टैप किया मेरे को, नॉर्मली आज भी अपने फिनिक्स वगैरह में आप जाते हो वो बटन प्रेस करके आपको रिसीट दे रहे थे, सोचो वो बटन प्रेस करने के लिए एक इंसान है, उसकी जरूरत नहीं है, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, मशीन लगा दिया है, यू आई कैन प्रेस द बटन एंड आई कैन गेट द रिसीट कि मेरे को पार्किंग करने का है, और पेमेंट करने के लिए देयर शुड बी अ कार्ड मशीन होल्डर वेर आई मेक द पेमेंट। चलो गूगल पे करने का है, UPI बेस्ड पेमेंट करने का है, तो QR कोड लगा के रख दो, बराबर है कि नहीं है। क्या मैनुअल इंटरवेंशन खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बट हमें उसका जरूरत ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा, और सो फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो अगेन द सेम थिंग, हर कंट्री कोई चीज अप्लाई करना चाहेगा ये जरूरी नहीं है, अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत सफिशियंट है तो शायद ये सब चीजें हम नहीं करना चाहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 1 बहुत आसान है बुक्स में देखना, रियल लाइफ में ये डिसीजन मेकिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट ईजी। वाई आई नीड अ ऑटोमेशन इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज कोई ना कोई कंसर्न या प्रॉब्लम होना चाहिए जो मुझे एक्चुअली में रिजोल्व करना है, जो मुझे एक्चुअली में इंप्रूव करना है, तो ही मैं ऑटोमेट करना चाहूंगा। ऑटोमेशन विल कम अप विद अ कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, ऑटोमेशन विल लीड टू मेकिंग सम ऑफ योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय यूजलेस, नंबर 2। नंबर 3, ऑटोमेशन विल मेक अ एग्जिस्टिंग प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स इनिशियल स्टेजेस में, तो आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी से डील करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट से डील करना पड़ेगा, कॉस्ट से डील करना पड़ेगा, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या बोलते हैं। द प्राइमरी पर्पस फॉर विच एन एंटरप्राइज इंप्लीमेंट्स ऑटोमेशन मे वेरी फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, बिल्कुल सही बात है, हर कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि आप ऑटोमेशन क्यों करना चाहते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, रीजंस, हो सकता है मैनुअल प्रोसेस में बहुत ज्यादा क्या होंगे, एरर्स होंगे, सबसे लॉजिकल चीज तो यही रहेगा, बहुत ज्यादा एरर्स है मैनुअल प्रोसेस में, इसलिए आप क्या करना चाहेंगे, ऑटोमेट करना चाहेंगे। नंबर 2, सर आपका पेमेंट प्रोसेस जो है वो क्या नहीं है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, बहुत ज्यादा डुप्लीकेट पेमेंट्स है, लेट पेमेंट्स है, इसलिए आपको लगता है आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ये अलग अलग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है कि आपके लिए क्या क्या रेलेवेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सर यू आर पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट रिसीव्ड, मतलब आपने ऑर्डर प्लेस किया, गुड्स एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, इनवॉइस आ गया और आपने पेमेंट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम के मैकेनिज्म बना सकते हैं। कल याद करो परचेस प्रोसेस पढ़ाया था, कुछ तो बताया था क्या परचेस प्रोसेस, देयर शुड बी अ रिक्वायरमेंट, कोटेशन एनालिसिस, PO बनेगा, जब PO बनेगा सिस्टम में जाएगा, जब तक गुड्स रिसीव नहीं होगा GRN नहीं बनेगा, जब तक GRN नहीं बनेगा पेमेंट नहीं होगा। फॉर अ पेमेंट टू गेट प्रोसेस्ड आई नीड टू हैव PO, GRN एंड इनवॉइस ऑल टुगेदर, only if all of them are there in my system then only payment can be processed, otherwise payment cannot be processed. So little bit of automation is existing in today's world, har jagah aapko dekhne ko milega, bas aapko wahi examples de raha hai ki agar bilkul automation nahi hua to aap kya kya problems face kar sakte hain. aage wale points padhiye zara, aapke jaise bilkul basic level likhe hue hain, padhiye. वेरी कॉमन ड्यूरिंग बैंक के साथ में नया अकाउंट ओपन करना है, इन इंडिया इट यूज टू बी अ 5-7 डे प्रोसेस टू ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट, बट यू रिमेंबर ड्यूरिंग कोविड टाइम दे हेल्प यू टू ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट ऑनलाइन, कैन आई से प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन कर दिया उन्होंने, उन्होंने बोला KYC करने का, हम वीडियो कॉल करके KYC कर देंगे, पहले क्यों नहीं कर सकते थे, पहले भी तो वीडियो कॉल कर सकते थे, पहले भी तो इंटरनेट था, समझ रहे हो मेरा बात, तब तक प्रॉब्लम नहीं आया था ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, जब तक इंसान प्रॉब्लम फेस नहीं करता तब तक वो सोल्यूशन ढूंढता नहीं है। कल या परसों भी किसी फाउंडेशन क्लास में डिस्कस कर रहा था, आज भी आपसे पूछता हूं, डोंट यू थिंक नाउ इंडिया इज रेडी फॉर डीमोनेटाइजेशन, डोंट यू थिंक नाउ इंडिया इज रेडी फॉर डीमोनेटाइजेशन,
जो हमने तब किया था, तब हम रेडी नहीं थे एज ए कंट्री, बट टुडे वी आर रेडी। हाउ? जब तब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिजिटल पेमेंट था ही नहीं, समझ लो मेरा बात, ना बैंक्स रेडी थे ना इंस्टीट्यूशंस रेडी थे, और हम तो थे ही नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। वी फोर्स पीपल टू स्टैंड इन क्यूज आउटसाइड द बैंक्स। टुडे इट इज नॉट रिक्वायर्ड। टुडे इफ यू आस्क मी, रादर इन सिटीज ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू अ सिटी लाइक बैंगलोर, बैंगलोर में कुछ एरियाज आपको बताऊंगा जहां पर आप कैश कैरी करते हो तो सामने वाला कैश लेगा नहीं आपसे, क्योंकि वहां पे पूरा आपका ऑफिस वाला क्राउड रहता है, उसको पता है कि यहां पे कोई कैश कैरी नहीं करता। सो इफ यू आर गिविंग समवन अ 500 रुपी नोट, यू गेट माय, वो बोलेगा चेंज नहीं भैया, ऑनलाइन पेमेंट कर दे, मतलब दे विल फोर्स टू पे ऑनलाइन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। सो हर शहर के अंदर ऐसे कॉर्नर्स है जहां पे ऑब्वियसली ऑफिस गोइंग क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, उसे आदत ही नहीं कैश कैरी करने का, एंड ऑब्वियसली उसने वहां के आसपास के जितने भी लोग हैं उनका एक इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया है, दैट इफ दे आर विलिंग टू पे ऑनलाइन द अदर पर्सन इज ऑल्सो विलिंग टू एक्सेप्ट इट ऑनलाइन। बट इट वॉज नॉट द केस ऑन द टाइम वेन डिमोनिटाइजेशन हैपन इन अ कंट्री। तब भैया किसी को मालूम नहीं था क्या कर रहे हैं आइडियली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो समटाइम्स, अभी देखो दोनों आर्ग्यूमेंट है, कोई बोलेगा सर वो हुआ इसीलिए डिजिटल पेमेंट बढ़ गया, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आप डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है। यूपीआई किसने डेवलप किया? हु डेवलप्ड यूपीआई? यूपीआई यू नो राइट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस राइट, दीज गूगल पे फोन पे आर योर यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस राइट। हु डेवलप्ड यूपीआई? आरबीआई। क्या बात कर रहे हो यार, यूपीआई किसने डेवलप किया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। सो आंसर इज आरबीआई, बट टेक्निकल आंसर इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने, अरे तुमको नहीं पता था ये चीज, इसीलिए ईआईएस में वो ई कॉमर्स में डिजिटल पेमेंट है। समझ में आया क्या तुमको मेरा बात? इसीलिए उनको भी पता है कि लोग पढ़ते नहीं है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज लाइक अ सेपरेट यूनिट कम डिपार्टमेंट कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, जिन्होंने यूपीआई डेवलप किया इंडिया के लिए। बहुत रेवोल्यूशनरी है, मतलब इतना मैं आपको गूगल पे फोन पे क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, जेन्युइनली बताऊंगा कि यूपीआई का रेलेवेंस क्या है एंड हाउ वी आर परफॉर्मिंग बेटर देन एनी डेवलप्ड नेशन। मतलब ऑनेस्टली ये यूपीआई अ डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक यूएस में एग्जिस्ट नहीं करता था, विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। वहां पर भी प्राइवेट एंटिटीज कंट्रोल करते थे इसको, हमारे कंट्री के अंदर ये एक रेगुलेटर कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है। एंड हाउ यूपीआई क्रिएटेड अ थ्रेट फॉर वीजा मास्टर कार्ड, यू नो वीजा मास्टर कार्ड, सिंपल एक शब्दों में बोलता हूं, वीजा मास्टर कार्ड बहुत एक्साइटेड थे कि एक कंट्री लाइक इंडिया जब डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा तो लोग कैसे पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। आज तक इस कंट्री में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं हुआ था, हर ट्रांजेक्शन पे मेरे को 1 to 1.5% कमीशन मिलेगा। जस्ट इमेजिन हमारे कंट्री का पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, पान खाया डेबिट कार्ड, जस्ट इमेजिन कितने ट्रांजेक्शंस होंगे अक्रॉस द कंट्री ऑन एन एनुअल बेसिस, उस पर 1 to 1.5% विल बी अर्नड ओनली बाय 2 companies इन द वर्ल्ड। सो उनसे ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं था दुनिया के अंदर कि इंडिया के अंदर डिजिटाइजेशन होना चाहिए। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? देन अ ट्रबल हैपेंड, उन्हें नहीं पता था आरबीआई कुछ कर रहा है साइड के अंदर। आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, वो एक्चुअली में यूपीआई का टेस्टिंग था। वो क्या था? यूपीआई का टेस्टिंग कि इमीडिएटली अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट हो सकता है क्या बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। आईएमपीएस सर्विस लेकर गया, वो चलना शुरू हुआ। फिर एक वर्ड आया होगा एमएमआईडी, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जो आपके यूपीआई आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है ना यार, मैं बैक एंड टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं। इससे उनको समझ में आया हाँ यार सीमलेस पेमेंट्स हो सकते हैं बिना किसी इंटरवेंशन के। फिर उन्होंने भीम यूपीआई लाया, समझ लो मेरे बात, बस सब अच्छा किया, एप्लीकेशन वाहियात बनाया, दैट गेव एन अपॉर्चुनिटी। मतलब भीम का एप्लीकेशन घटिया था, यूपीआई टेक्नोलॉजी बढ़िया था। तो अगर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाया है और आपको ऑफिशियली यूज करने के लिए दिया है, डब्बा तो कोई भी बना लेगा ना यार। तभी तो फिर आपका गूगल पे आया, फोन पे आया, वॉट एवर इट इज, ब्ला 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 ब्ला, आप तो कितने पे जाने दो, पर बॉटम लाइन क्या, उनका सिर्फ डब्बा है बेटा, टेक्नोलॉजी स्टिल यूपीआई विच इज डेवलप्ड बाय आरबीआई। और उन्होंने बोला मैं इंश्योर करूंगा सारे बैंक्स तुमको सीमलेस ट्रांजेक्शन करने देंगे बिना रेस्ट्रिक्शन के, नो बैंक विल इंटरवीन। नया एचडीएफसी बैंक बोलेगा आई विल नॉट अलाउ, ओके आई विल कैंसिल लाइसेंस। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोई से बैंक, आई डोंट केयर, आरबीआई आरबीआई, समझा गया मेरा बात,
उसको कोई मना नहीं कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो सिंपल चीज है, अगर रेगुलेटर क्रिएट करता सामने वाला फाइट नहीं कर सकता मेरे से, इसीलिए कंट्री का भला होता है। तो उसने क्या बोला, और अब तुम रिसेंटली एड्स देख रहे हो क्या, आईपीएल देखते थे, अगर देखते थे उसमें एड्स आ रहे थे, वो रुपए का एड कर रहा है। अब नोटिस करना रुपए किसका है, फिर से एनपीसी आएगा है। उसने क्या बोला, वीजा मास्टर कार्ड आ गया, कॉम्पिटिटर बनाया, रुपए लेकर के आए, बराबर है क्या नहीं है। अब वो क्या बोला, रुपए के कार्ड के थ्रू यूपीआई पेमेंट करो, और यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा ओनली इफ द कार्ड इज रुपए। मतलब पहले मैंने यूपीआई बनाया, अब तूने बोला यूपीआई के लिए मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लूंगा, बट डेबिट कार्ड शुड ऑल्सो बी पावर्ड बाय नॉट वीजा मास्टर कार्ड। तो अब तू कार्ड भी मेरा ही ले, यूपीआई भी मेरा यूज कर। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। स्लोली स्लोली किस डायरेक्शन में जा रहा है, बात समझ में आया क्या? इसीलिए वीजा मास्टर कार्ड को समझ में आ गया, आर्ग्यूमेंट करके फायदा नहीं है। स्लोली स्लोली इट्स अ मैकेनिज्म यू बिल्ड। डे वन आई कैनॉट से कि भाई वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। आज भी मेरे पास आधे कार्ड वीजा मास्टर कार्ड के ही है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को वही इशू किए थे। और रुपए का रिकॉग्निशन इंटरनेशनल बॉर्डर्स में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडियन रेगुलेटर ने बनाया है। आप समझ रहे हो क्या मेरा बात आइडियली? तो आपको अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो अभी भी वीजा मास्टर कार्ड लगेगा, फैक्ट है। बट विद इन इंडिया एटलीस्ट जो ट्रांजेक्शन है उन्हें तो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, उन पे तो एटलीस्ट मैं चार्जेस रोक पाऊंगा। और अगर बाद में रुपए ने चार्जेस लगाया तब भी बढ़िया है ना, एटलीस्ट इंडियन रेगुलेटर अर्न कर रहे हैं। What's wrong with that? If they are providing me the same service, सब कुछ बराबर है, 1% कमीशन जा भी रहा है, तो भी एटलीस्ट एक इंडियन एंटिटी के पास जा रहा है यार। बाकी दोनों तो ऑलरेडी बिलियन डॉलर कंपनीज है, समझ लो मेरा बात। उनका थोड़ा लॉस हो गया तो चलता है ना यार, अपना तो फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शन भी हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारा, पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं, और कमीशन किसी और का। Doesn't make sense, right? This question was raised by Mr. P. Chidambaram years back. Have you heard the name? Have you heard the name? Yeah. This question was raised. Ki, is India ready for digital payment? Because if you have digital payment, who will make money? It's not India who will make money. It's the Visa, MasterCard, they will make money. India doesn't have technology who can do this. I'm sure someone in RBI took it to the heart and realized this is a problem. The thought process was very nice. उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से बोला कि इंडिया के डिजिटाइजेशन में सबसे बड़ा स्ट्रेस यही आने वाला है कि हम हर साल 1.5% हजारों करोड़ रुपए विल स्टार्ट गिविंग इट टू अदर कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज। आइडियली समवन टुक इट टू द हार्ट एंड देन एनपीसीआई केम एंड एनपीसीआई ने रेवोल्यूशनरी काम किया। हम डिजिटल पेमेंट से पढ़ेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर प्रॉब्लम्स, व्हाई वी नीड ऑटोमेशन। अभी के लिए सर ये वाला मस्त एकदम, नॉट बीइंग एबल टू, तुम्हारे साथ पक्का होगा, नॉट बीइंग एबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्विकली ड्यूरिंग एन ऑडिट or a law case or not being able to find all documents, matlab basically document management barabar nahi hoga. Aur maan lo for example articleship mein first year mein kaam kiya, first year mein aap kitne mature rahenge aapko already malum hai, to koi difference nahi hai, yahi se aap chale jayenge directly us time ke baad mein. Fir third year articleship ke dauran galti se, for example have you heard of NAFRA? सुना है आईडी ले ऐसा, लेट्स से नाफरा ने तुम्हारा ऑडिट जो हुआ होगा उस साल का उसका रिव्यू करना शुरू किया, कर सकता है, बताऊंगा कैसे। उसने रिव्यू करना शुरू किया, उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जो डॉक्यूमेंट आर्टिकल के बैग में थे, वो आर्टिकल फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जा चुका है। अब आर्टिकल से पूछा ये डॉक्यूमेंट्स किधर है, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्रॉपर आर्काइवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर फाइल्स मेंटेन्ड होते हैं। और नाउएडेज there are third parties जो आपके लिए सारे documents manage करते हैं। Just imagine, I am PwC, मेरे पास में पूना के अंदर कम से कम 300 client रहेगा, 300 client का हर साल का कितना सारा files बनेगा, वो file किधर office में space में किधर डाल के रखेगा। अगर मैं अपने office में files रखना शुरू किया ना तो मेरे office में मैं नहीं बैठ पाएगा, सिर्फ files रहेगा, बराबर है कि नहीं है? Don't you think मेरे लिए एक proper file management system के लिए भी third party चाहिए, जिसको प्रॉपरली एक इंसान मेरे इधर ऑफिस में रहेगा जो हर रेगुलर इंटरवल के बाद में वो फाइल्स उनको बराबर से पैक करके देगा। क्योंकि आपने सुना होगा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक मेंटेन करने होते हैं, सुना है क्या आइडियली? ऐसा कितने साल तक? 8 साल तक। ऐसे ही अभी आएगा ऑडिट के जो वर्किंग पेपर्स है उनको भी कुछ साल तक मेंटेन करना होता है, वो कितने साल है बताएंगे आपको ऐसे 230 के अंदर, और ऐसा क्यों है लॉजिक भी बताएंगे आपको। तो मेरे को वर्किंग पेपर्स मेंटेन तो करने पड़ेंगे फॉर लॉट ऑफ इयर्स, वो मैं किधर मेंटेन करेगा? तो हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन आता है, एंड आई नीड टू हैव अ डैशबोर्ड कि मेरे को फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट एक्स का 2017 का फाइल्स चाहिए, तो सामने वाले को मैंने रिक्वेस्ट किया क्लाइंट एक्स का 2017 का 3 बॉक्स फाइल्स है, ये मेरे को कल सुबह 8 बजे ऑफिस में चाहिए, क्योंकि मेरे को इसका जरूरत है आइडियली। तो जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है उसने मेरे को ये प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अब अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, खुद से काम करना चाहता हूं, तो मेरे को खुद ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा ना यार आइडियली। तो इन सिंपल टर्म रिमेंबर, हर एक बिजनेस के अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेंगे, इसीलिए वो चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहेगा, सॉल्व करना चाहेगा या शायद ऑटोमेट करना चाहेगा। सो व्हाई ऑटोमेशन, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, गिविंग यू टू मिनट्स, वन सेकेंड, आराम से रीड कर लीजिए। ये सिर्फ अलग अलग प्रॉब्लम्स लिख के दिए हैं कि एक कंपनी क्यों ऑटोमेट करना चाहेगा। आराम से सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लीजिए, कुछ याद वाद नहीं करने का, एग्जाम्पल से पता होने चाहिए। ठीक लग रहा है? थोड़ा सा आपको ये एजिंग एनालिसिस वगैरह क्या होता है सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। इसमें से बहुत सारे टर्म्स है जो ऑडिट के अंदर बहुत डिटेल में आएंगे। रेफरेंस के लिए बोल देता हूं, आपने कभी एजिंग एनालिसिस सुना है? कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना, नहीं सुना। डेटर्स क्रेडिटर्स एजिंग एनालिसिस नेवर, ऐसा तुम्हारे कॉस्टिंग में रह गए? नहीं, शायद कॉस्टिंग में नहीं रहेगा, किधर रहेगा सोच रहा हूं। कोई बात नहीं, बता देता हूं। चलो सुनो, टोटल आउटस्टैंडिंग डेटर्स का बैलेंस है 1 करोड़। अब 1 करोड़ बहुत सारे अलग अलग पार्टी से पेंडिंग हो सकता है। लेट्स से 25 पार्टी से टोटल पैसा मिलाकर के 1 करोड़ है। 25 पार्टी से मिलाकर के कितना पैसा है? 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। अब मुझे यह तो पता होना चाहिए ना, ये 1 करोड़ एक्चुअली में कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा है। हो सकता है कोई पैसा पेंडिंग है ओनली विद इन दिस पीरियड, मतलब वो ड्यू डेट के बाद में, अभी तक 30 डेज भी नहीं हुआ है। It's been only 15 days or 18 days, जितने टाइम से पैसा पेंडिंग पड़ा है। Then there can be a range of 30 to 60 days, मतलब ड्यू होने के बाद में 30 दिन से ज्यादा हो चुका है, बट 60 डेज से कम है। ऐसा नॉर्मली हम एजिंग एनालिसिस बनाते हैं, 60 to 90, 90 to 180, 180 to 360 आ सकता है, and then it can be more than 360. मतलब my total money which is outstanding is let's say 1 crore. अब मैं 1 crore को bifurcate कर रहा हूं कि ये actually मैं पैसा कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा है। If I say, एक सिचुएशन समझो, 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, ये सारा का सारा पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा है फॉर मोर देन 360 डेज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इज वेरी हाई, क्योंकि ये पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा है ड्यू डेट के बाद में ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। मतलब कहना इसे यहां पर चांसेस ऑफ रिकवरी कंपेरेटिवली कम है कि नहीं है। तो प्रोविजन कितना बनाना चाहिए ये डिपेंड करेगा कितने टाइम से पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा है, बराबर है कि नहीं है। बट इफ आई से उस 1 करोड़ में से 80% पैसा इस कैटेगरी में है और 20% पैसा इस कैटेगरी में है, तो जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो कंपेरेटिवली कम बनाऊंगा, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस हो सकता है। That, sir, due date के बाद में 15-20 दिन एक्स्ट्रा लगता है, उसके बाद में पैसा आ जाता है। तो सर किस कैटेगरी में वो पैसा आउटस्टैंडिंग पड़ा है, इस एनालिसिस को हम बोलते हैं एजिंग एनालिसिस। ये डेटर्स का एज नहीं है, इट इज द नंबर ऑफ डेज, समझा के मेरा बात, वो मत तुमको बता रहा है, तुम ही गलती करोगे ऐसा, मैं फालतू में बता रहा तुमको। ये हम आगे ऑडिट में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, अभी के लिए सिर्फ एक वर्ड था इनवॉइस एजिंग, आपको मैंने बता दिया। समझ में आया क्या? अरे ठीक है, गया। एक लास्ट एग्जांपल दे दो ऑटोमेशन का, आखिरी एग्जांपल, आई विल कंट्रोल माई सेल्फ, ईओक्यू। अब ये तो नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम, ये तो बढ़ाया होगा पक्का। डोंट यू थिंक ये मैनुअल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑटोमेटेड। तुम कैसे कैलकुलेट करने का, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसा ऐसा मैच करने का क्या बैठ के? सिस्टम शुड डू दिस यार, और सिस्टम ने वेंडर को नोटिफिकेशन भी देना चाहिए, समझ रहे मेरा बात, कि भाई नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर दे, और एक स्टैंडर्ड नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर तुमको एक बिजनेस को स्केल अप करना है तो इन चीजों को आपको स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर आपको बड़े स्केल पे काम करना है। नॉर्मली FMCG हो गया, मासेस के लिए जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, वहां पर ऑटोमेशन काफी एसेंशियल है, या फिर ऐसे कंपनीज जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस हैं, जो अपना प्लेटफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब रखना चाहते हैं कि कोई भी सर्विस रिसीवर कहीं से भी दुनिया के अंदर ये सर्विस रिसीव कर सकता है, तो आपको नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेशन लेके आना पड़ेगा। एनीवेज, आई होप पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। तो सर बीपीए के अंदर स्टेप नंबर 1, व्हाई वी नीड बीपीए, कभी भी भूलने का नहीं। कैन वी गो नेक्स्ट, कम टू स्टेप नंबर 2। चलो स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, अंडरस्टैंड द
रूल्स एंड रेगुलेशन। ये स्टेप सबसे सिंपल है, मैं आपको वापस से कल भी बोला था, आखिरी बार वापस रिपीट करता हूं। कोई भी प्रोसेस अगर ऑटोमेट करते हो, एक गलती आप कभी भी नहीं कर सकते हो, वो ये है उस प्रोसेस के अराउंड एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है। इट ऑलवेज टेक्स टाइम बट यू नीड टू नो द लॉज एंड रेगुलेशन, विदाउट दैट आप प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। अगर आपने प्रोसेस को ऑटोमेट किया, एक एग्जांपल सुनो, जीएसटी इनेबल्ड इनवॉइसेस आपको बनाने चाहिए, बराबर है कि नहीं है? आपने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, वहां से कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, बट अगर जो आपका इनवॉइस आ रहा है दैट फॉर्मेट दैट प्रोफॉर्मा या जो जीएसटी का डिटेल्स है वो इनअप्रोप्रिएट है, डोंट यू थिंक आपका वेबसाइट बहुत सीमलेस रहेगा, बहुत बढ़िया फैंसी कलर्स रहेगा, बट अल्टीमेटली नॉन कंप्लायंस तो नॉन कंप्लायंस है ना। नॉन कंप्लायंस वाला आदमी क्या बोलेगा कि तूने वैसा एक इनवॉइस बना के नहीं दिया अपने कस्टमर को जो तुझे बनाना चाहिए, ये अपने आप में नॉन कंप्लायंस है। आई डोंट केयर नॉन कंप्लायंस एक रुपए का है, एक लाख का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे वेबसाइट कितना फैंसी है, कितना ऑटोमेटेड है, आई डोंट केयर, नॉन कंप्लायंस इज नॉन कंप्लायंस। सो रिमेंबर, ऑटोमेशन करने के लिए जब आप जाएंगे कहीं पर भी लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस ऑटोमेट कर रहा हूं क्या उस प्रोसेस के अराउंड कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, क्या कुछ रेगुलेशंस है क्या? अगर हां तो उन्हें मुझे कंसिडर करना है प्रोसेस को ऑटोमेट करते वक्त, उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं। यही आपका स्टेप नंबर टू बोल रहा है, कीप इन माइंड द रेलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रेगुलेशंस बिफोर ऑटोमेटिंग एनी बिजनेस प्रोसेस। कल हमने एग्जाम्पल पढ़ा था सैलरी वाला, याद है क्या, अटेंडेंस टू सैलरी प्रोसेसिंग, क्या ना इसे, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे कंप्लायंसेस थे, बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? आ जाओ पढ़ के क्लोज करते हैं। सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ऑटोमेटिंग एनी बिजनेस प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। मतलब सर, क्या कोई रूल्स रेगुलेशंस, जैसे कि हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट भी रिटेन करने पड़ते होंगे, ये आपके सेक्शन 128 के बारे में बात कर रहे हैं। अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है ना 8 साल तक आइडियली, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिटेन करने का रिक्वायरमेंट हो सकता है। जनरल कंटेंट लिख रहा है यहां पर, बहुत जगह पे लॉ के बारे में डायरेक्टली नहीं लिखेगा, इनडायरेक्टली रेफरेंस देगा। कोई भी सब्जेक्ट लॉ के ऊपर नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या बोलेगा, लॉ का कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, उसको हम कभी भी बाईपास करने के बारे में आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। इवन ऑडिट भी बोलेगा, ऑडिट करते वक्त भी आपको हमेशा कंपल्सरीली रेस्पेक्ट करना पड़ेगा व्हाट द लॉ सेज। हम ऑडिट में कुछ भी बोल देंगे पर अगर वो लॉ के बियॉन्ड जा रहा है तो वो क्लियरली बोलेगा यू कैन नॉट ओवरराइड द लॉ, आपको लॉ को रेफर करना पड़ेगा। अगर यहां का स्टैंडर्ड कुछ अलग बोलता है तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू यू? सिमिलरली ऑटोमेशन के अंदर भी एसेंशियल है, आपको रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस कंसीडर करके ही ऑटोमेशन करना चाहिए। इट इज क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर सी को पढ़ लीजिए एक बार। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट लॉज मे रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स टू बी रिटेन्ड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इयर्स इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो सर मुझे फॉर्मेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और कितने पीरियड तक रिटेन करना है यह भी पता होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल शेयर करता हूं। हैव यू हर्ड ऑफ ऑडिट ट्रेल? लॉ में आया होगा ये तुमको वर्ड, एक वर्ड है ऑडिट ट्रेल, सुना है आप लोगों ने? ये सुना होगा यार ऑडिट ट्रेल, ट्रायल नहीं है, ट्रेल है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, कैसे ईआईएस में भी है आपके लिए, ऑडिटिंग में भी है, लॉ के अंदर तो था ही। रेफरेंस के लिए बोलता हूं, डिटेल बाद में, क्योंकि एक्चुअली मैं इसका डिटेल डिस्कशन थोड़ा आगे जाके ऑडिट में होगा, बट बीपीए के अराउंड है तो सिर्फ एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल दे रहा हूं ताकि चीज बेटर समझ जाए। हम कोई भी ईआरपी यूज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप टैली को भी ईआरपी बोलते हो, फॉर एग्जांपल टैली हो गया, क्विक बुक हो गया, कोई भी ईआरपी जहां पर आप अकाउंटिंग करने वाले हैं। अभी बस सोचिए, मेरे उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सारे जो परचेज के एंट्रीज है वो आ गए, सारे सेल्स के एंट्रीज आ गए, बराबर है कि नहीं है? आइडियली अगर मैं सारे एंट्रीज पास करने के बाद में किसी भी एंट्री को डिलीट भी करता हूं, किसी भी एंट्री को डिलीट भी करता हूं, तो उसका लॉग मेंटेन होना चाहिए। लॉग मतलब रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि आपने इस दिन एंट्री पास किया था, एंट्री पास किया था एबीसी ने फॉर एग्जाम्पल, एंट्री डिलीट किसने किया, एक्सवाईजेड ने, किस दिन डिलीट किया वो भी आना चाहिए, ताकि अगर कल को कोई ऑफिसर आके क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहे तो आपसे पूछेगा आपने ये एंट्री पास किया बाद में डिलीट किया, डू यू हैव अ जस्टिफाइबल रीजन फॉर द सेम? अगर मैं ये रिकॉर्ड मेंटेन ना करूं तो सिंपल है, तुम एंट्री पास करोगे फिर तुम्हारे हिसाब से 31 मार्च को टैक्स का अमाउंट डिसाइड करोगे,
आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं होना चाहिए ना आइडियली, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. मतलब आइडियली जो मैंने बुक्स में एंट्री पास कर दिया है, हाँ सर मैं बुक्स में एंट्री पास ना, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो फिर किसका रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? रिकॉर्ड के लिए सिस्टम में तो डेटा आना चाहिए ना यार. वंस द डेटा इज एंटर्ड इन द सिस्टम, द रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन. उसको डिलीट भी कर दोगे तो भी आपने डिलीट किया है, इसका हिस्ट्री भी मेंटेन होना चाहिए. इट्स बेसिकली योर सर्च हिस्ट्री. मतलब एक बार आप कोई भी सिस्टम में कुछ भी एंटर कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए. ये ऑडिट ट्रेल अब होना चाहिए आपके ईआरपी में, कंपलसरी है. ऐसा लॉ बोलता है. ऐसा क्या बोलता है? लॉ. तो आप ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कीजिए जहां पर क्या है, ऑडिट ट्रेल. अब टैली जैसा सॉफ्टवेयर जो है फॉर एग्जाम्पल यार, वो बनाया इंडिविजुअल्स के लिए. कंपनीज एक्ट इंडिविजुअल को एप्लीकेबल नहीं है. अरे कंपनीज एक्ट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, बराबर है कि नहीं है? अब टैली का जो यूजर है वो तो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, टैली का यूजर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं है? तो टैली ने बता क्या दिया ऑप्शन, तुम डिसाइड कर लो ऑडिट ट्रेल ऑन रखना है कि ऑफ रखना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तुमको लगता है तुम इंडिविजुअल है, यू कैन ऑफ द ऑडिट ट्रेल ऑल्सो. तुम चाहो तो तुम्हारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन तुम्हारे हिसाब से रहेगा, बट अगर आप कंपनी हो तो आपने कंपल्सरीली ऑडिट ट्रेल क्या रखना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा. टैली जैसा ईआरपी फिर भी अलाउ करता है, आपको ऑप्शन दे रहा है. जो ऐसे भी वगैरह है उसमें ऑप्शन नहीं है बेटा, वो बाई डिफॉल्ट है कि आपको कंपल्सरीली क्या मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट ट्रेल. दैट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रेल. मतलब एक बेसिकली रास्ता बन गया, एक पाथ बन गया है, उसको ट्रेस कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन शुरू कब हुआ था, डिलीट किसने किया था, कब डिलीट किया था. प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा आइडियली. ये सब चीजें हमको शायद समझनी पड़ेगी. अगर लॉ में रिक्वायर्ड है कि ये मेंटेन करना है तो मुझे ऑटोमेट करते वक्त ध्यान रखना है कि ये ट्रेल मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए. मैं ये अलग अलग एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग और इवॉल्व हो जाए. एग्जाम के लिए वो 8 स्टेप कल ही खत्म कर दिए थे मैंने. ट्रस्ट मी अबाउट इट. इज पॉइंट नंबर 1 and 2 क्लियर टू यू? कैन आई गो टू पॉइंट नंबर 3? व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? सर इज इट अबाउट डॉक्यूमेंटिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस? इज इट अबाउट डॉक्यूमेंटिंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस? यस. हम जो प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसे क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट कीजिए जिसे आप ऑटोमेट करना चाहते हो, ताकि हमको समझेगा आपका इस प्रोसेस में एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपका इस प्रोसेस का एक्चुअली के अंदर आउटपुट क्या है, रियलिटी क्या है. 2 मिनट स्पेंड कीजिए, रीड द कंटेंट, कुछ क्वेश्चंस लिख करके दिए, पढ़िए जरा एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए. जब आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं, कोई एडमिशन लेता है फॉर एग्जांपल, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या मुझे फिजिकल रिसीट देना जरूरी है क्या? अगर बोलता हूं नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूं, तो मैं डिसाइड करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल तुम थोड़ी डिसाइड करेगा. The one who is trying to automate the process, they should ask themselves a question. क्या मुझे इसे physical receipt देने का जरूरी है क्या? अगर हाँ तो मेरे process में कहीं ना कहीं printing होना जरूरी है. अगर मैं बोलता हूँ physical receipt देना जरूरी नहीं है, मतलब email भी जा सकता है, बराबर है कि नहीं ideally? या WhatsApp के ऊपर PDF जा सकता है, मतलब I can find some other way. तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा existing process क्या है और आपके bare minimum requirements क्या है, कि क्या bare minimum मेरे process के अंदर होना ही चाहिए, तब जाके आप automation कर सकते हो. Honestly मैं थोड़ा detail में जा रहा हूं, but actually मैं एक process को automate करने के लिए people sit together multiple times or multiple hours to understand existing process क्या है, requirements क्या है, फिर automation करने के तरीके क्या होंगे और फिर सही तरीका choose किया जाता है. It's a very very time consuming process. It is not something which you decide, ठीक automate कर देते हैं. It doesn't happen like this. Remember, it's a costly decision. It's going to consume lot of time. It's going to consume lot of resources. It's going to require your employees to support you. It's not an easy decision. That is why बहुत सोच समझ के ऐसे decisions लिए जाते हैं. नीचे देखिए main benefit क्या है. अगर आप बराबर से existing process को समझते हैं तो आपको clarity मिलेगा exactly आप process से क्या achieve करना चाहते हैं. इससे आपको पता चलेगा existing process में क्या inefficiency है, क्या problems है या क्या bottlenecks है, और exactly क्या outcome मैं achieve करना चाहता हूं from the entire process. ये सब का आपको understanding आएगा. तो सर वापस से, पहले why we need BPA is step number 1, find the problems. नंबर 2, ये प्रॉब्लम्स ना
क्वांटिटेटिव टर्म्स में होंगे, इस टर्म्स के अंदर रहेंगे कि ये जेन्युइन कंसर्न से हमें ऑटोमेट करना चाहिए। दूसरे में क्या इस प्रोसेस के अराउंड कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस है क्या, कहीं मैं उन्हें नॉन कंप्लाई ना कर दूं, आई शुड ऑलवेज कीप देम इन माइंड। तीसरे में बोल रहा है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को बराबर से डॉक्यूमेंट कीजिए, इससे आपको आपके खुद के बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन समझेंगे। थर्ड एंड फोर्थ कनेक्टेड है, अगला फोर्थ पॉइंट जब आप पढ़ोगे ना इससे कनेक्टेड है, आपको अपना प्रोसेस डॉक्यूमेंट करने के बाद में मिनिमम एक्सपेक्टेशन समझेगा, और फिर जब मैं ऑटोमेट कर रहा हूं तो मैं क्या और अचीव करना चाहता हूं। सर मैं चाहता हूं बच्चे को ईमेल में सॉफ्ट कॉपी जाना चाहिए, एट द सेम टाइम उसको प्रॉपर एक रोल नंबर एलोकेट होना चाहिए, वो रोल नंबर ऐसा होना चाहिए जो वो हर लेवल पे अगर जाएगा सेम कॉमन रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आईसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही रहता है ना, बदलता है क्या बार बार? हालांकि एक प्रॉब्लम है, बहुत सारा डिटेल्स वो मेरे से वापस वापस मांगते रहते हैं। उन्होंने अगर मेरे से एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, एक नंबर मेरे को दे दिया है, मेरा नाम सेम है फॉर एग्जाम्पल, मेरा डिटेल सेम है, बाकी सब चीज उसने मेरे से बार बार नहीं पूछना चाहिए। हालांकि इंप्रूवमेंट है, कुछ चीजें अगली बार जब आप फॉर्म भरते हो उसमें प्रीफिल्ड होता है, कुछ चीजें समझ रहे हो मेरा बात, फिर भी कुछ चीजें वो आपसे बार बार रिपीट करवाते रहता है, बराबर है कि नहीं है? बट स्लोली स्लोली वो भी उस लेवल तक जाएंगे जहां तेरे को बोलेंगे वंस यू आर रजिस्टर्ड, एक बार तूने तेरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, सेम इन्फॉर्मेशन हम वापस आपसे नहीं मांगेंगे। वी डोंट वॉन्ट ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा अनलेस यू वॉन्ट टू चेंज द डेटा। आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, रिक्वेस्ट दीजिए, एड्रेस प्रूफ दीजिए, फिर आपका एड्रेस चेंज कर देंगे। काश इतना सीमलेस हो जाए। ट्राइंग डैशबोर्ड तो बनाया है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं है, मेंबर्स के लिए भी पता है ना आपको, वो डैशबोर्ड जैसे तुम्हारे लिए है ना स्टूडेंट का डैशबोर्ड एसएसपी पोर्टल तुम्हारा यार, वैसा हमारे लिए भी रेलेवेंट है वो डैशबोर्ड, मेंबर्स के लिए भी आईडी, वहां पूरा डिटेल्स मेंटेन रहता है, कुछ ग्रेट नहीं उसके अंदर, पूरा डिटेल लिखा हुआ है जो हमारा क्वालिफिकेशन या जो हमने डेटा उनको एज अ स्टूडेंट टाइम दिया होगा उन्होंने पंच करके ऐड कर दिया होगा। Are you understanding my point? Normally it is relevant for practicing chartered accountants because उनके अराउंड मुझे कंट्रोल करना होता है वो कौन कौन से एंटिटीज पे साइन करते हैं, ऐसा होता है। There is something called as UDIN number, बताएंगे आपको, आएगा आगे जाकर के डिटेल में, उससे मैं पता कर सकता हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम साइन कर ही नहीं रहे पर तुम्हारे नंबर के थ्रू कोई और साइन कर रहा है और पैसा कलेक्ट कर रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। फिर आपने सुना होगा कितने ऑडिट्स आप साइन करते हैं, सो हाउ डू आई कंट्रोल दिस विद टेक्नोलॉजी, दैट्स हाउ आई कैन ट्राई टू कंट्रोल एंड अंडरस्टैंड कि आप कुछ गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो दिस इज माई पॉइंट नंबर थ्री। आ जाइए पॉइंट नंबर फोर क्या बोलता है, डिफाइन दी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। अब सर यहां पर आईसीआई आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है, सुनिएगा मेरा बात, दो टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जनरल कि सर What are the steps involved in BPA? What are the steps involved in BPA? 8 step लिखोगे काम खत्म हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, नीचे लिखिए नोट नंबर 1। आई एम अज्यूमिंग आपने 8 स्टेप्स लिखे, आई एम अज्यूमिंग, नहीं तो ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिएगा, ब्लैंक स्पेस तो छोड़ना कम से कम शर्म करके, अगर होमवर्क नहीं किया तो। नोट नंबर 1, स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन BPA। नोट नंबर 1, स्पेसिफिक questions ऑन BPA implementation steps. स्पेसिफिक questions ऑन BPA implementation steps. मतलब ये जो 8 steps हैं, general question आ सकता है steps to implement a BPA, but इन steps के अंदर भी किसी एक step पे वो आपसे specific question पूछता है, तरीका बोलता हूं ऐसे का क्या है, जहां भी उसने ऐसे कोई बढ़िया 4-5 पॉइंट बना दिए हैं उसके लिए ये 4 मार्क का क्वेश्चन बन गया है, 5 मार्क का क्वेश्चन बन गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये आईसीआई का प्रैक्टिस है इन थियरी सब्जेक्ट्स, दैट इज ऑडिट, ईआईएस एंड एसएम। डोंट वरी, मेरे को बहुत साल हो गया उनको देखते हुए, समझ रहे हो मेरा बात, और तुमको मैं सब सिखा देगा कि वो कैसे सोचते हैं When it comes to making question, don't worry about it. ठीक है, मैं इतना brilliant हो गया है अभी कि मेरे को हर जगह यही दिखता है कहाँ कैसा question आ सकता है। मतलब unfortunately, that's how corrupt my brain is now. मतलब it just thinks like that, unfortunately, because in a theory subject, the challenge is not to explain the concept. That is okay. The challenge is to identify what they will ask you. In so much content, do you get my point? And how to prepare you कि तुमको दिमाग में समझे कि मेरे को इसमें से क्या prepare करना है? सारा याद कोई नहीं कर सकता, impossible है। मैं रोज पढ़ाता है, बात अलग है मेरा।
तू अगर कोई भी चीज नया पढ़ेगा फर्स्ट टाइम, तेरे को सब कुछ याद हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज है। तो तेरे को पता होना चाहिए किधर मुझे ज्यादा फोकस करने का है। आउट ऑफ 8 स्टेप्स, जहां भी उसको ऐसा लगेगा, दिस इज वन एरिया जहां वो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है। नोट नंबर 1, स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर लिखिए पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, goals and objectives to be achieved through BPA implementation, goals and objectives to be achieved through BPA implementation should be smart. ये मैंने मेमोरी टेक्निक नहीं बनाया, आईसीआई ने बनाया, ये आईसीआई का है, मेरा नहीं है। शुड बी स्मार्ट। अब सर स्मार्ट का मतलब क्या है, आइए, एस हियर इज स्पेसिफिक। सर ये क्या पढ़ रहे हो आप, हाँ पहले बताया तो प्लीज अंडर। अभी प्रॉब्लम यही है, बहुत मेहनत किया तुमको, ऑटोमेशन बहुत समझ में आया, तुमने जिंदगी में अच्छा सा वीडियोस देखा, क्वेश्चन पूछा ये 5 मार्क के लिए, कोई फायदा नहीं है। You're understanding my point. I know them really well. Sometimes how they can trouble a student. Please understand. तो ये क्या पूछ रहा है? तुम BPA से normally जो goals and objectives achieve करना चाहते हो, मतलब तुम automation के through क्या achieve करना चाहते हो, उन्हें कैसे define करोगे? तो इन्होंने basically 5 characteristics दिए हैं कि आपके goals ना smart होने चाहिए, मतलब पहला चीज specific होने चाहिए, they should be clearly defined, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे consultant को hire करने वाले हो, consultant के साथ में scope of work define करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम में हमें यह अचीव करना है। एग्जाम्पल, आज हमारा 15 एम्प्लॉई ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है, हर महीने हमें कम से कम 100 से 150 गलतियां मिलती है। आई वॉन्ट दीज मिस्टेक्स टू कम डाउन टू 10, मतलब कहना इसे मैं क्वांटिफाई कर रहा हूं एग्जैक्टली, ये प्रोसेस को इतना बेटर बनाओ कि गलतियां 10 के भी नीचे आ जाए, बराबर है कि नहीं है? क्लियरली डिफाइन करो आप क्या अचीव करना चाहते हो। नंबर 2, कैन यू सी ए वर्ड, मेजरेबल। जब डिफाइन कर रहे हो ध्यान रखना वो क्वांटिफाइबल भी होना चाहिए, या तो आप रेवेन्यू टर्म्स में डिफाइन कर दो, गलतियों के टर्म्स में डिफाइन कर दो, मार्जिन्स के टर्म में डिफाइन कर दो, कोई ना कोई तरीके से क्वांटिफाइबल टर्म्स में डिफाइन करो, ताकि हम ये समझ पाए कि हमने वो अचीव किया या नहीं किया। तो जो हम गोल्स बना रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, वो क्वांटिफाइबल होने चाहिए। तीसरा वर्ड, कैन यू सी ए वर्ड, अटेनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे शुड बी लॉजिकल, अरे रियलिस्टिक होने चाहिए। आप जो अपने गोल्स बना रहे हो पर वो इम्पॉसिबल टू अचीव है, तो कैन आई से पूरा ऑटोमेशन का प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी समथिंग विच इज एक्चुअली अचीवेबल। याद है कि आरओआई निकालना पड़ेगा, तो कितना पैसा लगाओगे ऑटोमेशन भी। यार सुनो, मैं चाहता हूं ऑटोमेट करना आप लोग का अटेंडेंस। एक तरीका क्या है, बायोमेट्रिक लगा दिया। एक तरीका क्या है, आपको हर दिन पेपर दे दिया, आप खुद लिख रहे हो, दैट इज द यूजलेस प्रोसेस। You understand my point, but I need to also say cost benefit. For example, कितने बच्चे attendance actually देना चाहते हैं? First question, number 1. और कितने बच्चे उस attendance को, let's say positively लेना चाहते हैं, if they're present or not present. Like for example, if you don't care about college, what if you don't care about class also? कि मैं present है कि नहीं, मैं decide करेगा, I'm 18+, I need to decide what is right for me. Some of you might think like that. I'm not पुशिंग, मैं तुमको बोल नहीं रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं तो वो रेटिना स्कैन वाला ऑप्शन डाल दूं कि बिना स्कैन के डोरी ओपन नहीं होगा तुम अंदर नहीं आएगा, बट फिर बाहर देखना लाइन कितना लग जाएगा आगे, तुम एंटर करने में एक क्लास खत्म हो जाएगा, बराबर है कि नहीं है? प्लस उसका आउटकम क्या है, उसका आउटकम ये, आज मैं प्रेजेंट था, ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। So anyways, in every situation, your expectations are different. I cannot have the best possible technology automating a process. I need to see क्या requirement है, कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना अच्छा output मेरे को achieve करने का, I need to see realistically वो possible है कि नहीं है। So number 3 is realistic part, that is achievable है या नहीं है। Number 4, can you see a word, relevant, बहुत important है। आप जो goals बना रहे हैं क्या आपके धंधे से relevant है कि नहीं है? मैं कुछ ऐसा अचीव करना चाहता हूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सो लेट मी नॉट गेट टू द एग्जांपल्स ऑफ दिस, बट द पॉइंट इज एवरीवन शुड नो इन देयर बिजनेस व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक मिठाई बेचने वाला आदमी है, मिठाई का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, बराबर है कि नहीं है? मिठाई का थोड़ा प्रेजेंटेशन अप टू सम एक्सटेंट इंपॉर्टेंट है,
चलो समझ रहे हो मेरे बात, उसके अंदर मैं बॉक्स भी पकड़ लूंगा बराबर है क्या नहीं है आइडियली, उसके अलावा बाकी चीजें कोई रेलेवेंट है मेरे लिए, तो आपको सोचना पड़ेगा मैं जो काम कर रहा है उसमें मेरे लिए रेलेवेंट पॉइंट कितना है, क्या मेरे लिए एक्चुअली में ये बिजनेस ओरिएंटेड गोल है क्या, कि एक्चुअली में इससे बिजनेस को फायदा होने वाला है, अगर हाँ तो अच्छा बात है अदरवाइज सेंस नहीं बनता है। लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या बोलता है, टाइमली, मतलब एक गिवन टाइम फ्रेम होना चाहिए क्या, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑटोमेशन आज शुरू करेंगे 2-4 साल में हो जाएगा, पर 2-4 साल वह फायदा क्या है उसका, आपको टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, विद इन 1 quarter वी शुड सी दिस आउटपुट, quarter 2 to 3 हमारा रेस्पॉन्स और बेटर होना चाहिए। ये बोल रहे गोल्स बनाते वक्त कैसे आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए। ऑनेस्टली 5 पॉइंट बिल्कुल रेलेवेंट है, बहुत लॉजिकल है, प्रॉब्लम बस ये है ये जब एग्जाम में स्पेसिफिक पूछे जाए तो ट्रबल हो सकता है। आपके पास 2 मिनट्स है, 5 पॉइंट आपके सामने है, कॉपी पेस्ट कीजिए पढ़ पढ़ के आराम से। हम क्या पढ़ रहे हैं, बीपीए, बीपीए में कौन से स्टेप में है, जहां पे क्या बोल रहा है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने का है। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हो क्या दिमाग में रखने का है, भाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, उसका मतलब क्या है, ए बी सी डी ई। अच्छा इसके आगे डैश करके लिखने का है, स्पेसिफिक मत लिखना सिर्फ आगे, यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, पक्का ना, वो डर लगता देख के मेरे को यार कभी कभी, क्या हैंड राइटिंग है भाई, नहीं तेरा हंसी डेंजरस है पर इसका हैंड राइटिंग ऑल डेंजरस है, थोड़ा रफ नोटबुक नहीं है बेटा, अच्छे से लिख, थोड़ा ध्यान से एग्जामिन देख, मैं अच्छा हैंड राइटिंग वो जरूरी नहीं होता है, मेरा हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, I'm sarcastic, but understandable होना चाहिए, इधर एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, अंडरस्टैंडेबल। तुम इसको रफ नोटबुक जैसा अज्यूम मत करो, तुम तुम्हारे लिए लिख रहे हो ये, दिस विल बी यूजफुल फॉर यू ऑन द लास्ट डे व्हेन यू आर रीडिंग ऑन योर ओन। कॉपी पेस्ट करने में तो क्या एक्सपर्ट हो तुम लोग, मतलब एकदम मस्त स्पीड से कॉपी पेस्ट करते हो, मतलब फटाफट। चलो कैन वी गो नेक्स्ट, आगे बढ़े क्या, चल यही एक क्वेश्चन था, मैं तुमको सारे स्टेप्स पे लेके इस क्वेश्चन के लिए आया था, बाकी सब टाइम पास है, फटाफट उड़ाते हैं। चलो लेट्स गो टू स्टेप नंबर 5। व्हाट इज स्टेप नंबर 5, क्या बोलता है, एंगेज द बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। डिस्कशन करता हूं 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, एक बार सोचो शांति से, तुम एक बिजनेस ओनर है, तुम्हें तुम्हारा एक प्रोसेस ऑटोमेट करना है, तुम्हें प्रॉब्लम पता है, तुम्हें एग्जिस्टिंग प्रोसेस समझता है, तुम्हारे गोल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, एंड ऑब्वियसली यू आर रनिंग अ बिजनेस सो यू ऑलरेडी नो लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, ये हो गया है। अब मैं बात कर रहा है, यू वॉन्ट टू हायर अ कंसल्टेंट, You think and tell me, according to you, क्या basis पे आप एक consultant को pick करोगे? You are, let's say, the CEO for an organization. You are the business owner. You have to pick a consultant. On what basis you will decide about a consultant? बोलो. Experience. You should be good in IT. Okay. मतलब good IT experience. Okay. Anything else? Sorry. Previous record, मतलब previous experience क्या है, what kind of clients he works with, reputation क्या है market में, reviews, consultant के Google पे reviews ढूंढोगे क्या, जाओ एक काम करो ना, BCG, McKinsey, सुने के नाम,
द कंसल्टिंग फर्म्स लाइक बीसीजी, मैकेंजी, बेन एंड कंपनी, डेलॉयट कंसल्टिंग, गूगल पे जाके पढ़ो ना रिव्यूज उनके, मतलब आई एम श्योर जिन क्लाइंट के लिए काम करते हैं वो गूगल पे रिव्यू नहीं लिखते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। एनीवेज, एनी अदर वे, फीस वो तो जब तक मिलोगे नहीं कैसे पता चलेगा। और कंसल्टेंट का एक खासियत है, वो कभी फीस बताएगा नहीं डायरेक्टली, पहले वो तेरे को बताएगा तेरे को कितनी जरूरत है, बोला तेरे को मैंने आईडिया दे, स्कोप ऑफ वर्क देगा, आराम से बढ़िया से प्रेजेंटेशन देगा और फिर प्यार से फीस लेकर के आएगा, समझ रहे हो मेरा बात। डायरेक्टली फीस बताएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा उसके लिए। और कोई तरीका है? एनी अदर वे, एक्सपीरियंस, सॉरी नेचर ऑफ बिजनेस, सामने वाले का एक्सपर्टीज है कि नहीं है। ओके अच्छा, शुड यू रीच आउट टू ओनली वन कंसल्टेंट और मल्टीपल पीपल एटलीस्ट? कोटेशन एनालिसिस करोगे तुम, मल्टीपल लोगों को रीच आउट करोगे, उनके अंदर ऐसा कॉम्पिटिशन कराओगे जैसे स्कूल में कॉम्पिटिशन होता था, तीन ग्रुप बनाएंगे ऐसा करेंगे? यस, वैसा ही होता है, वैसा ही होता है। सुनो अभी सुनो, कंसल्टिंग का दुनिया कितना खराब है तुमको समझाता हूं मैं आईडिया। इंडिया में तो कंसल्टिंग अभी शुरू हुआ है, जस्ट स्टार्टेड, एंड आई रियली मीन दैट, बिकॉज इन इंडिया कंसल्टिंग वॉज अज्यूम्ड टू बी फ्री। इंडिया में लगता था कंसल्टिंग का कोई प्राइस ही नहीं है, ये मेरे को फ्री में मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू वेंट टू अ करियर काउंसलर आफ्टर क्लास 12th? वेंट टू अ करियर काउंसलर, बी ऑनेस्ट, 1, 2, 3। और ये बाकी लोग जो है वो उन तीन को देख रहे हैं, कौन बेवकूफ लोग हैं, मैं तुमको पक्का बोलता हूं 100%, बिकॉज नहीं 100% बोलता हूं, तुम या तो करियर काउंसलिंग के लिए यूट्यूब पे गया होगा या तुम्हारा कोई ना कोई एक रिश्तेदार अंकल आंटी को बुला दिया गया होगा, आइडियली भैया ने दीदी ने, इसमें स्कोप है उसमें स्कोप है, किसी ने कुछ कर लिया, 100% ऐसा हुआ होगा, मैं श्योर है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, ऑनेस्टली बताना। कोई ना कोई तरीका, मतलब बेसिकली कोई प्रोफेशनल के पास जाने के बजाय, मतलब प्रोफेशनल मतलब आई एम नॉट सेइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट प्रोफेशनल, वो तो है प्रोफेशनल, बट वो करियर काउंसलिंग में प्रोफेशनल नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सो करियर काउंसलर के पास नहीं जा करके बाकी कोई ना कोई सोर्स के पास में गए। कितने लोग कोई ना कोई सोर्स के पास में गए डिस्कस करने के लिए कि मेरे को क्या करना चाहिए क्लास 12th के बाद में? बी ऑनेस्ट यार अबाउट इट यार, बी इवन आई वेंट टू समवन यार, मैं 2008 के अंदर गया तो तुम तो पक्का गया होगा, तुम्हारे लिए तो अलग कॉम्पिटिशन है। ओके बाकी लोग तुम क्या सोचा, प्रशिक्षण का रास्ता देख लेते किधर जाता है, मतलब तुम गूगल मैप्स ट्राई किया क्या आइडियली? पॉइंट इज इन इंडिया कंसल्टिंग मतलब कोई ना कोई मेरे को फ्री में ज्ञान देने वाला है, समझ रहे हो मेरा बात, दैट इज द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। ये सेम कॉस्ट बेचारे जो दुनिया के कंसल्टिंग फर्म्स है, व्हेन दे एंटर्ड इंडिया दे ऑल्सो रियलाइज्ड यहां पे कोई पैसा देना ही नहीं चाहता है, सर्वाइव करना ही मुश्किल है इधर आइडियली, मतलब सामने वाले को, मतलब कंसल्टेंट सोचा था वो होशियार है, यहां बिजनेसमैन जो है वो उससे भी डेंजरस है, मतलब वो उसको हायर करेगा एक्स प्रोजेक्ट के लिए और हर दिन उससे दूसरे वाई जेड और एबीसी के ऊपर भी डिस्कशन करते रहेगा, समझ लो मेरा बात। आई हायर्ड यू फॉर ए बट आई विल कीप आस्किंग यू अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज इफ यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड इफ यू हैविंग अ कप ऑफ टी आई हैव अ लिबर्टी टू आस्क यू एन नंबर ऑफ अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। मतलब तो इंडिया में कंसल्टेंसी इज अ वेरी डेंजरस एरिया, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू विद रियल एक्सपीरियंस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी हु वर्क इन दिस फील्ड, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज एक्चुअली में इंडिया एक डेवलपिंग से डेवलप्ड जा रहा है, ये आज तक हम सुनते थे जब हम स्कूल में थे, मैं स्कूल में था तब भी हम सुन रहे थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि हम जा रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है पहली बार, दैट फ्रॉम डेवलपिंग वी आर गोइंग टू डेवलप्ड, बराबर है कि नहीं है? अब कंपनीज या कॉर्पोरेट्स अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना चाहते हैं, अपने स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं, इसीलिए अगर मुझे बाहर के कंट्रीज से बहुत सारा पैसा रेज करना है तो मुझे ऑन बोर्ड अच्छे नाम दिखाने पड़ते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक इंडियन आईटी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक आईटी कंपनी जो कंसल्टेंसी देता है उसको भी बिजनेस कंसल्टेंसी लग सकता है। सो इन्फोसिस मे हायर मैकेंजी फॉर अ बिजनेस कंसल्टेंसी एंड इससे इन्फोसिस का रेपुटेशन बड़ा होता है, क्योंकि जब इन्फोसिस किसी यूएस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है और लेट्स से देयर इज अ एरिया जहां पे इन्फोसिस लैक कर रहा था तो इन्फोसिस बोलता है वी आर कंसल्टिंग विद मैकेंजी, तो उसका यूएस क्लाइंट को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो बोलता है नहीं यार लेट्स रिलाई ऑन इन्फोसिस, वो खुद एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जा रहा है, इट्स अ साइकिल। सो द अदर पर्सन विल फील कंफर्टेबल बिकॉज दे ऑलरेडी नो द अदर पर्सन, जैसे हम इंडिया में फील होते हैं ना, मैं किसी से मिलने के लिए गया, मैं किसी को जानता है वो किसी को जानता है, हम ट्राइंगल बनाते हैं ऐसा,
समझ रहे हो, आप उनको जानते होंगे, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? सेम वे यहां पे थोड़ा प्रोफेशनल वर्ल्ड है, वी गो टू अ यूएस फर्म, वी टेल देम दैट वी आर वर्किंग विद मैकेंजी, वी गिव द पार्टनर नेम ए, ही नोज द पार्टनर नेम ए, डू यू गेट माय पॉइंट, ही बिकम्स मोर कंफर्टेबल, ओ दे आर कंसल्टिंग विद पार्टनर ए, ऑल्दो एग्जैक्टली काम क्या कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? इसलिए लोगों ने अब कंसल्टिंग के लिए पैसा पे करना शुरू किया है, बिकॉज वो मार्केट में ऐसा रेपुटेशन दिखाना चाहते हैं। तो आप जब कंसल्टेंट को ढूंढ रहे हैं, यू आर गोइंग टू गो विद एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में किस फर्म ने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया है, हर एक फर्म का अपना एक्सपर्टीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैकेंजी में भी 15 डिपार्टमेंट है बेटा, वेन यू ज्वाइन अ कंसल्टिंग यू डोंट ज्वाइन कंसल्टिंग कि मैं कोई भी कंसल्टिंग कर लेगा, उसके अंदर भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, सप्लाई चेन करने का है आपको, प्रोक्योरमेंट वाले पार्ट में कंसल्टिंग करने का है, सिर्फ इन्वेंटरी वाले पार्ट में कंसल्टिंग करने का है, प्राइवेट इक्विटी में कंसल्टिंग करने का है, कंसल्टिंग इज इनटू डिफरेंट बिजनेस अरीनाज। तो मेरे को चूज करना है कि भाई जिसके पास मैं जा रहा है उसको ये धंधा समझता है क्या, तो आई विल गो टू एटलीस्ट 2 to 3 बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेंट्स इन द टाउन और इन द कंट्री, उनको रीच आउट करूंगा, अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उनसे एक प्रपोजल मांगूंगा। क्या मांगूंगा? प्रपोजल, कि ऐसे प्रॉब्लम को नॉर्मली आप लोग रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं, हाउ मच टाइम एवरेज यू टेक, व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, एंड नॉर्मली ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करने के बाद में आउटपुट क्या आता है, मैं उन लोगों से ऐसा प्रपोजल मांगेगा, फिर प्रपोजल्स को इवेल्युएट किया जाएगा। कभी कभी बहुत एक्सट्रीम केस जब होता है, लेट्स से कंपनी लाइक रिलायंस, जो अगर लेट्स से जियो या कोई एक बड़े बिजनेस के ऊपर डील कर रहा है, वो शायद बेस्ट पॉसिबल 3-4 कंसल्टेंट को एक ही रूम में बुलाएगा और उनको लड़वा देगा, टू अंडरस्टैंड हु इज बेटर देन मी, मतलब कौन मेरे लिए बेटर काम कर सकता है। बिकॉज सिंपल, कितना तुम पैसा पे कर रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा तुम सामने वाले को कितना ज्यादा इवेल्युएट करना चाहते हो। इफ द कंसल्टिंग इज वेरी स्मॉल, आई एम जस्ट स्पेंडिंग 10-15 lakh रुपीज, आई कैन हायर एनीवन जिसका डिसेंट रेपुटेशन है, बट इफ आई एम स्पेंडिंग 1 million, 2 million, 10 million, 100 million, आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट अ इजी जॉब। एंड रिमेंबर, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कोई ना कोई डिपार्टमेंट के लिए कंसल्टिंग ऑनगोइंग होता है, ऑटोमेशन ऑनगोइंग होता है, कोई भी कंपनी आज फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, एंड कोई भी कंपनी आज फुल्ली मैनुअल नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीवन इज इन द प्रोसेस फ्रॉम मैनुअल टू मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज सेमी ऑटोमेशन, जहां पे कुछ चीजें मैनुअल है एंड कुछ चीजें क्या है, ऑटोमेटेड है। तो मुझे कंसल्टेंट को बहुत सोच समझ करके चूज करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा बहुत मेरा मार्केट में रेपुटेशन बाकी लोगों के साथ में कैसा, वो बहुत काम में आता है। अच्छा, इसमें ये भी है बेटा, कंसल्टेंट भी तेरे लिए काम करना चाहता है क्या, ऐसा भी होता है? यू रीच आउट टू मैकेंजी, मैकेंजी में से आई एम सॉरी आपका स्केल थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, हम आपके लिए काम नहीं करना चाहेंगे, आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली बोल देगा, क्योंकि आपका फोन आंसर करना बंद कर देगा, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? यू अंडरस्टैंड, राइट? ऐसा अदर वे अराउंड भी हो सकता है, तुमको लग रहा होगा, बट अगर फॉर एग्जाम्पल तुम बात कर रहे हैं मैकेंजी बेर मिनिमम शुरुआत 20-25 lakh से करता है, और तुम जो ऑफर करने वाला हो 10-12 lakh रुपए, तो मैकेंजी बोलेगा शायद मेरे लिए सूटेबल नहीं होगा इस क्लाइंट के साथ में टाइम डिवोट करना, इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो। सो दैट्स हाउ द कंसल्टिंग वर्ल्ड वर्क्स। इन्होंने बुक्स के अंदर एक बेसिक कंटेंट लिख के दिया है, हाउ डू वी चूज अ कंसल्टेंट। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है सर, कंसल्टेंट का ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब हाउ फेयर अ कंसल्टेंट इज, क्या वो इस सिचुएशन को बढ़िया से डील कर पाएगा क्या, ये पूरा बुकिश आंसर है। हाउ फेयर अ पर्सन इज, क्या कंसल्टेंट के पास में एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, क्या उसको एक्चुअली के अंदर एक्सपीरियंस है ऐसे इश्यूज को रिजोल्व करने का, क्या उसमें कैपेबिलिटी है टू अंडरस्टैंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर एस्पेक्ट्स, क्योंकि हो सकता है कंसल्टेंट को बिजनेस समझता होगा पर आईटी नहीं समझता, या हो सकता है आईटी समझता होगा पर धंधा नहीं समझता, फायदा नहीं है ना यार, आई नीड टू हैव अ कॉम्बिनेशन। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, वेन पीपल हायर इन कंसल्टिंग फर्म्स, मैं आपको नाम दिया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG, McKinsey, व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, डू दे हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन कंसल्टिंग फर्म्स, डू दे हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, करते हैं MBAs, तो प्रेफरेंस तो MBAs है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे आर हायर्ड बट number is very less comparatively. Do they hire engineers? They hire anyone. मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी qualification है, if you are let's say a lawyer, they can hire you. Because a consulting firm को सब लोग चाहिए, कोई एक qualification नहीं चाहिए। भाई सुन, एक consulting में I need to understand the law part. I need to also have a good understanding of finance, good understanding of IT. I need to understand every industry का अलग requirement.
सो दे डोंट डिफाइन कि हम कंसल्टिंग फॉर्म में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं या सिर्फ एमबीए को हायर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। रादर अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है। अब तो एक खतरनाक दुनिया है, जब आपको कंसल्टिंग फॉर्म में हायर करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज। लेट्स से यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे हायर्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आप जैसे और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी रहेंगे, हायरिंग हो गया इसका मतलब ये नहीं आपको काम मिलते रहेगा। इन कंसल्टिंग आपको हर दिन नया इंटरव्यू देना पड़ता है टू गेट अ न्यू प्रोजेक्ट। कंसल्टिंग का 5 पार्टनर है, 10 मैनेजर्स हैं, उनके पास में नया प्रोजेक्ट आते जाएगा। उन्होंने प्रोजेक्ट पिक कर लिया, बट टीम जब बनाएंगे वो हर प्रोजेक्ट के लिए वापस इंटरव्यू लेते हैं, बिकॉज हर प्रोजेक्ट अलग होता है। सो आर यू अ राइट फिट फॉर अ प्रोजेक्ट और नॉट, ये हर प्रोजेक्ट के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। सो इन कंसल्टिंग सीवी मेकिंग नेवर स्टॉप्स, इन कंसल्टिंग इंटरव्यूज नेवर स्टॉप्स, और इन कंसल्टिंग रिजेक्शन नेवर स्टॉप्स। क्योंकि आपका रिजेक्शन, अगर मैं कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई दिन इंटरव्यू करते जा रहा है, मैं अपने फर्म में भी रिजेक्ट होगा। That within the firm also, I applied for 3 projects, I was rejected for 2. But you should be happy you were picked for 1. And you are not on the bench. Do you know bench concept? You are on the bench, matlab, not literally on the bench. The point is, you are in the company, but you don't have work. And if you don't have work for a specified period, aapke contract mein likha hota hai for 60 days, 90 days, then you have to say thank you on your own. That means you need to resign. You could not prove yourself useful even though you were hired in an organization. Samjha gaya mere bhai, tereko hire maine kar liya par tu khud ke liye kaam create nahi kar paya company ke andar, why should I keep you? So normally bench pe agar aap bahut time tak reh jate ho, matlab aapka kya ho jata hai, lay off ho jata hai. Isliye hota hai, utilization kitna ho raha hai. Agar mera total 100 hours hai, kya mera utilization level 70 80 ke upar hai kya? Matlab I am on a bench for less than 20 30. Is tarike se thought process work karta hai. Ye thode numbers maine throw kiye aapko kyunki hum thoda consultant ke bare mein baat kar rahe the. Last point dekhiye, does the consultant have the required expertise? Wapas same baat upar dekho, experience, expertise, experience, ek hi word ke around khel raha hai kya bar-bar? कुछ ग्रेट कंटेंट नहीं है, सिर्फ सही कंसल्टेंट चूज करने के लिए आपको थोड़ा फेयर तरीके से सोचना पड़ेगा। इस पॉइंट पर भाई क्लियर यू? लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 6। क्या बोलता है? कैलकुलेट दी आरओआई फॉर द प्रोजेक्ट। ये तो तुमको मालूम ही है यार, सिर्फ एक काम करो डायरेक्टली ये पढ़ो, अच्छा है, और इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मार्क करो मतलब मैं तुमको नोटबुक में लिखवा के दूंगा। पहले रीड करो एक बार अच्छे से, रीड दीज पॉइंट्स, आई विल टेल यू क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत आसान सा है हर पॉइंट यार, आइडियली Honestly, अब तो समझ में आया होगा, इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नोटबुक में जाइए, अंडर नोट नंबर 1, आपने पॉइंट नंबर ए लिखा था, अब लिखिए पॉइंट नंबर बी। एग्जाम्पल्स ऑफ बेनिफिट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ बेनिफिट्स टू जस्टिफाई, एग्जाम्पल्स ऑफ बेनिफिट्स टू जस्टिफाई बीपीए प्रपोजल, टू जस्टिफाई बीपीए प्रपोजल। मतलब नॉर्मली क्या क्या बेनिफिट्स एक कंपनी को मिल सकते हैं, इसको आप जस्टिफाई करेंगे थ्रू अ बीपीए प्रपोजल। नॉर्मली ये सब अलग अलग एग्जांपल्स हैं, आप एक प्रपोजल जब बनाएंगे आउटकम में बता सकते हैं इसका फायदा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। कॉस्ट बचा के देंगे,
जो आपका मैनुअल इंटरवेंशन है वो कम हो जाएगा, आपका नया रेवेन्यू जनरेट करने का एक्टिविटी आएगा, आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा उसको वो अच्छे से बोल रहा है। पहले वाले में नेगेटिव बोल रहा था, इसमें आपको पॉजिटिव साइड दिखा रहा है। कोई भी चार एग्जाम्पल आज आप घर पर जाके होमवर्क में लिखेंगे, लिख पाएंगे आसानी से? तो ऐसा होमवर्क तो कर पाएंगे, बराबर है, पक्का? कैन आई गो नेक्स्ट? लेट्स गो टू स्टेप नंबर 7। बेस्ट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें बहुत कंटेंट लिखा है। क्या बोला? डेवलप द बीपीए। असली काम तो वही है ना, आइडियली वो बता ही नहीं सकता ना कैसे डेवलप करने का है, क्योंकि वो हर सिचुएशन टू सिचुएशन में वेरी करेगा। सो स्टेप नंबर 7 इज यूजलेस, कैन वी इग्नोर दैट? स्टेप नंबर 8 देखो क्या बोलता है, टेस्टिंग द बीपीए। यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, यहां पे खत्म नहीं होता है। टेस्टिंग के बाद होगा इंप्लीमेंटेशन, फिर होगा मॉनिटरिंग कि बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट इनका स्टेप नंबर 8 इज अ लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 8, रीड पॉइंट नंबर ए। वंस डेवलप्ड, आपने बीपीए को टेस्ट करना चाहिए कि एक्चुअली में वो कितना अच्छे से काम करेगा। क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या वर्ड? एक्सेप्शन प्रोसेसिंग। मतलब जब हम नया बीपीए अप्लाई करेंगे कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। एक्सेप्शंस मतलब यू कैन से नेगेटिव रिपोर्ट्स। एक एग्जांपल, आप लोगों को बैकअप लेक्चर्स का एक्सेस दिया, लेट्स से एक फाइल बनाया, आप सब लोगों के लिए अपलोड किया। बट लेट्स से जब अपलोड किया, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था, क्या था? रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एडमिशन के दौरान, वो गलत था। तो हो सकता है वो ईमेल आईडी ही गलत करे। आपने देखा होगा ना, कभी कभी आप ईमेल सेंड करते हैं तो जीमेल खुद बोलता है ये ईमेल ही गलत है। अरे भेजता है कि नहीं भेजता है? वो एक एक्सेप्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है आपको? तो कभी कभी जब आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो जिसमें सिस्टम सब कुछ करने वाला है, तो जब आप सिस्टम को डेटा इनपुट करके दोगे, हो सकता है कुछ डेटा इनवैलिड रहे, हो सकता है कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो वो एक्सेप्शंस बन के आपको अलग से रिपोर्ट बना के देगा। उसे कैसे प्रोसेस करना है उसका शायद आपको एडिशनल प्रोसेस बनाना पड़ेगा। सो समटाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोसेस में ऐसा कुछ आपको बग्स मिल रहा है क्या। उसको बोलते हैं बग्स, BUGS। बग्स बोल सकते हैं आप इसको, एक्सेप्शंस बोल सकते हैं या प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं जिनको अलग से प्रोसेस करना चाहिए। दिस इज योर स्टेप 1 to 8। ऑनेस्टली बताओ, आपको कल भी समझ में आ गया था, आज एटलीस्ट जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, नाउ यू विल नेवर बी स्केर्ड कि इन इतने सारे पेजेस में क्या लिखा हुआ है। इसके आगे एक एग्जांपल है जो आपको नहीं पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हो। दूसरा एग्जांपल कल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, मतलब पूरा बीपीए का जो सारा कंटेंट इतने सारे पेजेस के अंदर, उसमें एक्चुअली में वो 8 स्टेप्स के अराउंड ही डिस्कशन है और कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली इतना डिस्कशन के बाद में अब आपसे बीपीए के स्टेप्स पूछे या उसके अराउंड कोई क्वेश्चनिंग किया, आपको लगता है आप लॉजिकली आंसर कर पाओगे? पक्का? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल नाउ और नॉट? 100%। तो देखो, चैप्टर 1 पार्ट ए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीए के स्टेप्स है। अब इसके अराउंड कुछ और क्वेश्चंस आईसीए को पूछना पसंद है, अब हम वो डिस्कशन करेंगे। बीपीए एज सच क्या है, वो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। स्पेसिफिक क्वेश्चन 8 स्टेप में 2 आ सकते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। एंड नॉर्मली क्या क्या बेनिफिट्स मैं मेरे क्लाइंट को दिखा सकता हूं जब मैं प्रपोज कर रहा हूं कि क्यों उसने बीपीए करना चाहिए, वो 2 और स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको नोटबुक में लिखवा के दिए हैं। आर यू कंफर्टेबल विद ऑल दिस गाइस? कैन वी गो नेक्स्ट नाउ? आगे बढ़े। चलो अब थोड़े बीकॉम लेवल क्वेश्चंस। हाँ, बीपीए अप्लाई करने का है, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने वाले हैं, बीपीए अप्लाई करेंगे बीपीए के बेनिफिट्स क्या है। होता है ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। थोड़ा और स्कूल लेवल पे जाओगे तो पहले फीचर्स, फिर एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स, वही आपके उसमें से कुछ कुछ पॉजिटिव उठाया तो एडवांटेज, और उसी का नेगेटिव लिख दे तो डिसएडवांटेज। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वैसा ही होने वाला है। मतलब एआई लिखने वाले ऑथर का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस उधर से भी आता है, जाने दीजिए, है वैसा। अब बीपीए के अराउंड 2-3 और क्वेश्चंस आ सकते हैं, फटाफट से डिस्कस करेंगे, विल क्लोज इट ऑफ। चलो पहले कहां से शुरुआत करें, बेनिफिट से शुरुआत करें या प्रॉब्लम से? तुम नेगेटिव सोचने वाले आदमी है, मेरे को मालूम है। लेट्स स्टार्ट विथ चैलेंजेस इन्वॉल्वड इन प्रोसेस ऑटोमेशन। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? इट्स ऑन पेज नंबर 1A.10। बहुत डिफिकल्ट चीज है, ढंग से पढ़ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? ऑब्वियसली यार, ऑटोमेशन इज नॉट अ इजी जॉब। आज तो यार जस्ट इमेजिन 15 इयर्स बैक एक वेबसाइट बनाने का, ऑटोमेशन छोड़ दो वेबसाइट बनाने का क्या कॉस्ट होता था? पीपल यूज्ड टू चार्ज 2-3 लाख रुपीज। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 to 15 ईयर्स बैक, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल नो इन इंडिया हाउ टू मेक अ वेबसाइट। एंड उस जमाने में मोबाइल एप्लीकेशन का तो बात ही मत करूं,
People used to spend crores to actually make mobile application. Now there are websites which helps you to make websites. I hope you know that. Wix.com वगैरह कितना है रे? मतलब अब तो अगर किसी को नहीं भी आया वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट देके रखा है तेरे को, और टेम्पलेट चूज कर जैसे अपन नॉर्मल नाम एडिट करते हैं ना, स्टेप वन को डिलीट किया, नाम लिख दिया अपना आइडियली, लाइक आपका एक जनरल वेबसाइट तो लिटरली आप कुछ घंटों में खुद बना सकते हो, जिसको कोडिंग का सी भी नहीं आता होगा, आराम से पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज अ वेबसाइट व्हिच हेल्प्स यू डू दिस. डू यू गेट माय पॉइंट? देयर आर एप्स व्हिच हैज टेम्पलेट्स एंड यू कैन पिक अ टेम्पलेट एंड यू नो क्रिएट एप्लीकेशन ऑल्सो. एंड्रॉइड पे iOS इज ट्रबलिंग. एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन फिर भी आसान है कंपेरेटिवली, iOS ट्रबलिंग है. क्यों है आपको बताएंगे, लेट्स गो टू चैप्टर 3. वी हैव फेस सो मेनी इशूज, आई विल टेल यू ऑल्सो कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि iOS में थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन है अभी भी, दे रिक्वायर अप्रूवल फॉर एवरी स्टेप. इन एंड्रॉइड इट्स नॉट दैट, इट इज ऑटोमेटेड. जोक है, एप्पल मैनुअल है, समझ लो मेरा बात आइडियली, बट उनको सेलिंग पॉइंट ही प्राइवेसी है, समझ लो क्या मेरा बात, दैट इज वाई उन्होंने जानबूझ करके मैनुअल इंटरवेंशन रखा है. एप्पल का सेलिंग पॉइंट प्राइवेसी है, मालूम है आपको ये चीज? 15 साल पहले एप्पल ने सोचा था क्या प्राइवेसी प्राइवेसी बेचूंगा? 15 साल पहले उसने सोचा होगा मैं है. याद है ना एक जमाने में ब्लूटूथ काम नहीं करता था आईफोन के अंदर. आई होप यू नो दैट. दैट वॉज ऑल्सो टाइम कि आईफोन बिकता था बट ब्लूटूथ नहीं चलता था, समझ रहे हो? एक जमाने में रिंगटोन चेंज करना इन आईफोन, आई एम नॉट किडिंग, आई हैव गॉन थ्रू दैट एरा. इसके अंदर तेरे को अगर रिंगटोन चेंज करने का है तो एक वेबसाइट था iTunes. पहले तेरे फोन को तेरे को iTunes से सिंक करना पड़ता था, फिर रिंगटोन डाउनलोड करके iTunes पे अपलोड करना पड़ता था, फिर से फोन पे सिंक करना पड़ता था, फिर वो तेरे फोन के लिस्ट में दिखता था, फिर तू क्लिक करता था ये मेरा रिंगटोन होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? जबकि एंड्रॉइड वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. आई एम अ यूजर ऑफ बोथ एंड्रॉइड एंड एप्पल, दोनों में कुछ कुछ अच्छा है, समझ रहे हो मेरा बात? यू शुड फाइंड अ वे कि अच्छा पार्ट काम में आना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए. बात समझ में आया क्या? कम बैक टू द पॉइंट. इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट 100% ऑटोमेशन के अंदर कोई ना कोई कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगा. आज अगर आप देखेंगे ऑटोमेशन कंपेरेटिवली बहुत सस्ता हो गया है. वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. आर यू रीडिंग द आर्टिकल्स विच सेज दैट चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन कैन रिप्लेस एन नंबर ऑफ आईटी कंसल्टेंट्स फॉर योर कंपनी? फॉर वन आईटी गाय इन यूएस सिलिकन वैली आई मे बी पेइंग लेट्स से $2 lakh. मैं उसको $2 lakh पे कर रहा है एक आदमी को. ऐसे 10 आदमी का काम चैट जीपीटी मेरे लिए एक सब्सक्रिप्शन में करता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. सो जस्ट इमेजिन हाउ एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयमेंट कैन कम बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एआई. अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ब्रिलियंट होते गया, मैं सही बता रहा हूं, रजनीकांत वॉज राइट. डू यू गेट माई पॉइंट? इफ यू रिमेम्बर इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. It's not a joke, it's a reality. I'm not kidding. अरे बहुत सारे कितना research labs में problem हुआ है. It has happened with Facebook, it has happened with MIT. You name the organizations जिन्होंने extreme AI try किया है and they say हमने bots बनाए, bots started talking to each other in a language which I could not understand who created the bots. Are you understanding my point? Just imagine आपने A और B को create किया, अब A और B क्या बात कर रहे हो मेरे को नहीं समझता है. It happens with human beings, I understand. But it should not happen with technology and human being. अरे समझा क्या मेरा बात? So it is actually that dangerous. So if you think about it, अब मेरे हिसाब से ये जो cost वाला part है ये और उल्टा होते जा रहा है. Technology is actually becoming cheaper day by day. It's actually becoming cheaper day by day because हमने जितना growth as a, you know, as a, not country, as a universe achieve करना चाहिए, हम उसके बहुत आगे हैं. And that is a problem. तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी धीरे धीरे. नाउ व्हाट यू डू नेक्स्ट बिग इज नॉट बिग अनलेस एवरीवन बिलीव्स दैट यही अच्छा है. अब आपको पहले लोगों को प्रूव करना पड़ेगा ये ब्रिलियंट है, वरना लोग उसको वैल्यू नहीं करेंगे. आइडियली पहले आपने कुछ क्रिएट किया, यू आर कॉन्फिडेंट इट वॉज वैल्यूएबल. टूडे इट्स नॉट द केस. सो पॉइंट नंबर 4 देखिए, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, बीकॉम लेवल आंसर. इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेटेड प्रोसेसेस इज अ एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन. ओहो, आपको अक्वायर करना पड़ेगा या डेवलप करना पड़ेगा. क्या चीज सर? ऑटोमेटेड सिस्टम एंड स्पेशल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एंड मेंटेन दीज सिस्टम्स. साउंड्स लाइक अ स्कूल लैंग्वेज और नॉट? पॉइंट नंबर 4 डन. कैन आई गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? पक्का. कम टू दिस वन, पॉइंट नंबर 2. कैन यू सी अ वर्ड? स्टाफ रेजिस्टेंस. मैं बोला था आपको,
आप कुछ ऑटोमेशन लेकर के आओ, अरे ऑटोमेशन छोड़ो, कुछ भी चेंज लेकर के आओ, विल योर स्टाफ फाइट फॉर दिस और नॉट? 100%, बिकॉज स्टाफ इज ऑलरेडी कंफर्टेबल डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. यू ब्रिंग एनीथिंग न्यू, मतलब कुछ भी नया एलिमेंट लेकर के आओ, लोग उससे आर्ग्यू करेंगे, फाइट करेंगे. क्या रेजिस्ट करने वाले हैं? 100%. पॉइंट नंबर सी पढ़ के देखिए क्या बोलते हैं. सर, इन मोस्ट केसेस ह्यूमन फैक्टर इश्यूज आर द मेन ऑब्स्टिकल टू द एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू प्रोसेस. स्टाफ में सी प्रोसेस ऑटोमेशन एज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग देयर डिसीजन मेकिंग पावर. नॉट जस्ट डिसीजन मेकिंग पावर, इट मे रिड्यूस देम ओनली. दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट विद ऑटोमेटेड प्रोसेस मैनेजमेंट के पास में क्या है? ग्रेटर विजिबिलिटी है. बराबर है? सी, अब मेरे पास में एक डैशबोर्ड पे सब विजिबल है. पहले मुझे 15 लोग चाहिए थे जो मुझे अलग अलग रिपोर्ट लाके दे रहे थे, अब मुझे 15 लोगों का जरूरत ही नहीं है ना. इन माई डैशबोर्ड देर आर 10 टैब्स, हर टैब में मेरे को डेटा दिख रहा है पूरा का पूरा. एंड इफ आई हैव द डेटा का अंडरस्टैंडिंग, आई नो विच ब्रांच इज डूइंग बेटर, आई नो विच पर्सन इज एक्चुअली डूइंग बेटर, एंड द वन हु इज नॉट डूइंग बेटर, आई कैन फायर देम ओवर अ गूगल हैंगआउट. दिस इज वॉट मिस्टर एलन मस्क डिड. आई होप यू नो दैट ही हायर्ड पीपल ऑन द कॉल एंड ही फायर्ड पीपल ऑन द कॉल. Both. I hope you know this. Pehle he was famous for hiring people randomly. Now he is famous for firing people. You don't know that. Kya baat kar rahe ho yaar? Kitne logon ko unhone ek running call pe fire kar diya hai? Kitne logon ko? Even Google ke bahut sare employees ke case mein, when they were laid off. Ab mere liye agar wo important employee hai, jiske paas important data ka access hai, use mein ye nahi bol sakta hu ki tere ko main nikal raha hu, 2 महीने काम कर ले, notice period. 2 महीने में सब कचरा करके चले जाएगा वो. पता है क्या होता है? यू वेंट फॉर लंच, यू केम बैक, यू आर ट्राइंग टू लॉग इन, अब लॉग इन नहीं होता है. सो यू वेंट टू समवन आस्किंग, ये लॉग इन नहीं हो रहा है. उसने बोला, ओ सॉरी, यू फायर्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, दैट्स अ रियलिटी. बिकॉज यू कांट फायर इंपॉर्टेंट पीपल विथ प्रॉपर इंटीमेशन. इफ यू डू दैट, यू आर ऑलवेज स्केर्ड. दे हैव एक्सेस टू डेटा एंड प्लेटफॉर्म्स जहां प्रॉब्लम हो सकता है. एंड इफ यू आर फायरिंग समवन हु हैज वर्क्ड फॉर 10 years, 15 years, 20 years, इट्स वेरी रिस्की. बिकॉज सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा अपने को नहीं मालूम है. एक मूवी है, जॉर्ज क्लूनी, हैव यू हर्ड ऑफ दिस गाय? ऑस्कर विनिंग एक्टर है यार. ठीक है, जॉर्ज क्लूनी. देयर इज अ मूवी कॉल्ड अप इन द एयर. कभी सुना है क्या? वॉच दिस मूवी, अप इन द एयर. उसका काम होता है टू फायर पीपल. इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी. इज अ कंसल्टिंग फर्म जहां पे वो ग्रेटेस्ट कंसल्टेंट का काम ही है हाउ टू फायर पीपल. मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हायर हिम टू जस्ट ट्रेवल टू देयर कंपनी एंड देयर आर पीपल हु आर वर्किंग विद अस फॉर सो मेनी इयर्स अप इन द एयर. इट्स अ ऑस्कर विनिंग मूवी. कि कैसे लोगों को फायर करना है और वो कैसे रिएक्ट करेंगे. तो वो प्रॉपर ऑफिस सेटअप करवाता है कि सेटअप करते वक्त ऑफिस बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, चेयर टेबल कुछ भी नहीं होना चाहिए. यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? क्योंकि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, किससे उठा के आपको मारेगा. You don't know about it, right? Up in the air is the name of the movie. I'll share a lot of such things with you, but I'm just telling you ki bahut purana movie hai, aaj ka nahi. Matlab, I think I watched this in 2014. Matlab, uske bhi bahut purana movie tha ye. Jaane dijiye. Point kya hai? In simple terms, staff resistance bahut dangerous cheez hai. Actually ke andar, jab bhi aap koi badlav lekar ke aayenge, wo usko aasani se accept nahi karenge. Aage dekhiye kya bolta hai. Sir, staff may perceive automated processes as threat to their jobs. FYI, for your information, एक हेडलाइन आया था when Mr. I forgot this orange hair guy who was the president of US, Donald Trump. नाम भूल गया मैं. अरे हाँ यार, अब तो बोल सकते हैं ना, he's not the president anymore. So Mr. Donald Trump was the president on that time. तो एक हेडलाइन आया था, who is more dangerous to the world, Donald Trump or artificial intelligence? This was the headline because Donald Trump used to write anything on Twitter. That was a time before Twitter was independent, before independence era of Twitter. I hope you are understanding my point. मतलब तब वो Twitter पे कुछ भी लिखता था और next day morning markets में कुछ भी होता था. मतलब I think वो अपने time में कुछ लिखेगा, India के time में already problem हो जाएगा, समझ लो. और US China war तो उसने क्या शुरू किया था, मेरे को लगता है उसने चाइना में किसी एक दो को कॉल किया होगा, ढंग से बात नहीं किया होगा. आई रियली फील दैट पर्सन ही इज, ही वुड हैव बिहेव्ड लाइक दैट. मतलब वेरी फिनिकी प्रेसिडेंट आइडियली. मतलब ऐसा आदमी जिससे जेन्युइनली दुनिया को डर लगता था. लाइक वी वर स्केर्ड ऑफ नॉर्थ कोरिया, यू नो नॉर्थ कोरिया राइट, कि वो कभी भी कुछ भी करेगा आइडियली, समझ लो. आई थिंक द रियल ट्रबल वॉज डोनाल्ड ट्रम्प, दैट हु कुड. बट जस्ट इमेजिन यार, यूएस में कितना मुश्किल होगा.
पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपॉइंट किया, इलेक्ट किया, जो एकदम ऐसा नाउ द करंट प्रेसिडेंट हु डजंट डू एनीथिंग. मतलब इनको लग रहा होगा हमारा, मतलब इट्स जस्ट इमेजिन हार्ट रेट अगर है आदमी का तो कैसा एकदम अजीबोगरीब हो गया ना. मतलब आइडियली ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि हमको समझेगा ही नहीं रिएक्शन कैसे करने का. दिस प्रेसिडेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दैट प्रेसिडेंट वी जस्ट होप डजंट डू एनीथिंग. यू जस्ट अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट हाउ डिफिकल्ट. सो एवरी टाइम आई यूज्ड टू ट्रैवल देयर द बेस्ट कॉन्वर्सेशन इज विद द पीपल हु ड्राइव उबर देयर. मतलब वो एक्चुअली रिटायर्ड लोग होते हैं बहुत सारे वहां पे उबर ड्राइवर्स एंड रेस्पेक्टेड लोग. जो वो बात करते हैं ना उनसे पूछने का, उनको जो पॉलिटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है और वो जो बोलते हैं इसको हायर नहीं करना, वो मतलब प्रेसिडेंट को मस्त गाली देते हैं. से अपने को दूसरे कंट्री में होके कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम समझ रहे क्या मेरा बात. वो अपने कंट्री में होकर के उधर गाड़ी चला करके गाली देता है डायरेक्टली कि दिस पर्सन इज लाइक दिस दिस दिस. सो आई नो हिम कि तब से ये ऐसा ऐसा हुआ करता था आइडियली एंड दे विल टेल यू द रियलिटी द ट्रूथ द बिटर ट्रूथ विच वी डोंट नो अबाउट अ कंट्री. लाइक ऑब्वियसली वी नो अबाउट आर कंट्री बेटर देन एनी अदर कंट्री राइट लॉजिकली. सो इफ समवन आस्क्स अबाउट मिस्टर ए हु इज रनिंग द इंडिया लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वी विल नो द रियलिटी राइट. आई एम जस्ट सेइंग. पॉइंट नंबर बी, कैन यू सी अ वर्ड डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस. अब ये ना तुम्हारी जैसी प्रॉब्लम है, एक बार आंसर पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है. पढ़ो पढ़ो क्या बोलते हैं. बीपीए रिक्वायर्स री इंजीनियरिंग ऑफ सम बिजनेस प्रोसेसेस दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू बी अलोकेटेड एंड स्पेंड. ये पॉइंट क्या बोलता है, कभी कभी हो सकता है कि आप जो प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हो, ऑटोमेशन से ज्यादा पहले उस प्रोसेस को ही रिफाइन करना जरूरी है. Let me give you 2-3 examples. Probably you'll understand. Ola, when they entered India, when they started in India, years back, cab booking website se hota tha. Kis se hota tha? Ola ka website tha, jidhar jaake mere ko, I have tried it, so I'm telling you. Udhar jaake tere ko cab booking karne ka hai. Trust me, to understand the website and to book a cab, you will take 15-20 minutes. Maybe you will reach there before that. You're understanding my point ideally. So can I say it is a useless process? तो पहले तो तुमको process ही simplify करना पड़ेगा. उसके तुम automation क्या कर रहे हो वो तो बात का बात है. तुम्हारा process ही आज relevant नहीं है. और ये इतना complicated है. मतलब booking a cab require 10 step. उतने से better है मैं नीचे auto वाले भैया से argue कर लेगा. Do you get my point? We will come to a consensus. हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कंक्लूजन पे आ जाएंगे. समझ रहे हो क्या मेरा बात. आई अंडरस्टैंड वो कुछ भी मांगेंगे, मैं कुछ भी बोलेगा, बट देर विल बी अ मिडिल पाथ. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. बट द 10 स्टेप प्रोसेस ऑफ ओला कैब बुकिंग ऑन द वेबसाइट इज नॉट अ इजी जॉब. एंड इन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग 2G के स्पीड पे मैं इंटरनेट यूज कर रहा है. समझ रहे हो मेरा बात. उसके पहले GPRS का एरा तुमको शायद पता भी नहीं रहेगा. तुम पैदा होकर के तब तुमने इंटरनेट देखा भी नहीं होगा. एज GPRS ये वर्ड्स हुआ करते थे. मतलब जब मेरा सीए फाइनल का रिजल्ट आया था तो उसको क्लिक करने के बाद इट टुक ऑलमोस्ट अ मिनट टू टेल मी व्हाट इज द आउटकम. यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. ऑन फोन इफ यू आर चेकिंग द रिजल्ट, समझा गया मेरा बात. अगर आप फोन पे चेक करते हो तो कितना टाइम लगता था. बफरिंग वाला कॉन्सेप्ट आपने शायद देखा नहीं है जिंदगी में. योर लाइफ इज नॉट अराउंड दैट, बट एक जमाने में बफरिंग करके कॉन्सेप्ट था. मतलब हम डेटा लेके आ रहे हैं तब फील होता था डेटा ट्रैवल हो रहा है. आज नहीं लगता है ऐसा. यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. सो इफ यू टॉक अबाउट ओला 10-12 स्टेप प्रोसेस ऑन अ वेबसाइट, यार मेरे को बात बताओ पहले मैं ऑटोमेशन से पहले क्या सोचेगा. एक कैब बुक करने का प्रोसेस ही प्रॉब्लमेटिक है. पहले उसे स्ट्रीमलाइन करो, कट इट डाउन टू एटलीस्ट 5 steps, 3 steps, 4 steps जो लॉजिकल रहे. पहले आपको हर ऐप में अगली बार कैब बुक करने के लिए वापस लॉग इन करना पड़ता था. इज इट रिक्वायर्ड टूडे? नो. योर पेमेंट मैकेनिजम्स आर ऑलरेडी सेट टूडे. अरे अगर आज फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट अंडरस्टैंड टू मच अबाउट एप्लीकेशन, आई जस्ट ओपन ओला और उबर, सामने पूछता जाना किधर डायरेक्टली, उतना टाइप करना है मेरे को. मेरा एग्जिस्टिंग लोकेशन भी पिक कर लेता है. समझ रहे मेरा बात. वो मेरा पेमेंट मेथड सब कुछ ऑटोमेटिकली पिक करता है कि नहीं करता है, ये ऑटोमेशन है मैं मानता हूं. बट कम से कम 4 स्टेप में कैब बुक हो जाएगा. ये तो पहले मैंने 10 स्टेप से लेके आना चाहिए ना यार. So sometimes processes itself are existing processes are so complicated कि मुझे पहले उनको streamline करना बहुत जरूरी है. उसके लिए already बहुत time spend करना पड़ेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं process को streamline कर रहा हूं, 6-8 महीना साल भर spend कर रहा हूं, जब तक automate करूं ये process का value खत्म हो जाए. क्या
मिंत्रा पे आज आप कपड़े वेबसाइट पे खरीदते हो? नहीं, ऐप ओनली बिजनेस में ट्रांसफर हो चुका है. एंड दे डिड दिस नॉट टुडे, सिक्स इयर्स बैक ऑल्सो इट बैकफायर्ड. दे ओपन द वेबसाइट अगेन. दे सेड वी वॉन्टेड टू गो टू ऐप ओनली बिजनेस. उन्होंने वेबसाइट पे बोला खरीदने का तो ऐप पे जा. समझ रहे हो मेरा बात? अब हमको पूरा एफर्ट उधर डालने का है क्योंकि हमको लगता है प्रोसेस उधर स्ट्रीमलाइन करना बेटर है. बट उनको समझ में आया अभी भी लोग उतने कंफर्टेबल नहीं थे 5-6 साल पहले. फिर उन्होंने वेबसाइट कुछ टाइम पीरियड के लिए वापस चालू किया और बोला धीरे धीरे लोगों को अपने आप ऐप पे जाने दो, हम फोर्सफुली नहीं भेजते हैं. बात समझ में आया क्या? पहले मिंत्रा आपको रिफंड नहीं देता था, आपको बोलता था पैसा वॉलेट में जाएगा. और एक इंडियन बोलता है ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, रिफंड चाहिए, नहीं देगा तो तेरे से नहीं खरीदेगा. मिंत्रा को समझ में आया इसलिए उसने रिफंड देना शुरू किया. और अब देखो कभी कभी कपड़ा कलेक्ट करता उसके पहले रिफंड आ जाता, मतलब पहले मतलब लिटरली वो लिफ्ट से नीचे गया और कभी कभी रिफंड प्रोसेस हो जाता है इन सर्टेन केसेस, बिकॉज उनको बताना है प्रोसेस बेटर है ताकि आप अगली बार जब खरीद रहे हो तो दिक्कत नहीं आना चाहिए. तो समटाइम्स योर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डिफाइन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है. एक लास्ट एग्जाम्पल अज्यूम करो आप एक मिंत्रा के कस्टमर हो, आपने लास्ट 10 बार मिंत्रा से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए, सारे के सारे रिटर्न कर दिए. 10 बार में 1 लाख का शॉपिंग किया, पूरा 1 लाख रिटर्न ले लिया. मिंत्रा का अर्निंग क्या है? 0. पर 10 बार प्रोडक्ट डिलीवर करने का, कलेक्ट करने का कॉस्ट तो है कि नहीं है? डोंट यू थिंक मेरे को मेरे एल्गोरिथम में डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे कस्टमर को अगली बार फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी नहीं देना चाहिए. वो आपको ईमेल भेजता है. I have a friend who received the email. इसको ईमेल आया कि आपका जो रिटर्न रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो अगली बार जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो शायद हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी नहीं दे पाएंगे आइडियली, बिकॉज आप हमारा पैसा खा रहे हैं rather than becoming a source of earning for me. Are you understanding my point? Can I define it very easily inside a system? No. It would have required so much of thought process. It would have required so much of thinking कि मैं इसको कैसे integrate करेगा ideally. आप समझ रहे हो क्या मेरा बात? So कुछ चीजों को actually मैं complexity को कम करना, simplify करना can be a very time consuming process. Automation हो सकता है but आपके लिए क्या होगा? Challenging होगा. It's a not a easy job. Is point number B clear to you? आपको अभी तक point number 2, point number 3, point number 4 तीन चीज पढ़ाया, समझ में आया क्या? 2 मिनट स्पेंड करो तीनों पॉइंट को पढ़िए. If you are comfortable, we'll go to the last one. आज वैसे आपने बहुत कम लिखा है और बहुत सुना है. आई एम स्केर्ड, क्या हालत है तुम्हारी पता नहीं मेरे को, डर लग रहा है मेरे को तुमको देख के. पढ़ो तीनों पॉइंट्स. Can I go to the last one, guys? आए फर्स्ट वाले पॉइंट पे. देखो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ऑटोमेटिंग रिडंडेंट प्रोसेसेस. क्या बोल रहा है? रिडंडेंट प्रोसेसेस. अब एक बात सोचो शांति से. Zomato, ओरिजिनल बिजनेस मॉडल क्या था? क्या करने का? टेबल बुक करने का. Zomato का फर्स्ट बिजनेस मॉडल वॉज टू गेट रिव्यूज ऑफ रेस्टोरेंट. इट स्टार्टेड फॉर रिव्यूज, देन इट केम टू टेबल बुकिंग, एंड देन इट केम टू फूड का ऑनलाइन डिलीवरी. द फर्स्ट बिजनेस मॉडल व्हेन मिस्टर दीपेंद्र गोयल स्टार्टेड, हिज जॉब वॉज ही वॉज वर्किंग इन अ कंपनी. ड्यूरिंग द लंच टाइम यूज टू गो टू रेस्टोरेंट्स, टेक द पिक्चर ऑफ मेन्यू कार्ड्स, ट्राई फूड देयर एंड राइट रिव्यूज.
यू गेट माई पॉइंट. देन ही बिलीव्ड व्हाई नॉट हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पे लोग अलग अलग अच्छे रिव्यूज लिखेंगे, तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे लंच टाइम में मिलने वाला 40 मिनट है. आई कैन नॉट गो डू एंड डू ट्रायल एंड एरर, पांच जगह जाके खाना टेस्ट करके आऊंगा क्या? ऑफिस में लंच टाइम में एक लिमिटेड टाइम मिलने वाला है. आई शुड गो टू अ डेजिग्नेटेड प्लेस, यहां बिरयानी अच्छा है खाया खत्म. डेजिग्नेटेड प्लेस, यहां पराठा अच्छा है खाया खत्म. समझ रहे हो मेरा बात? आइडियली तो रिव्यूज एक बात जस्ट इमेजिन करो, जब धंधा शुरू किया तब ऑनलाइन डिलीवरी होगा ये सोचा भी नहीं था, तो वो बिजनेस प्रोसेस ही एग्जिस्ट नहीं करता था. इफ यू थिंक अबाउट इट, बिजनेस मॉडल छोड़ो, मैं बोल रहा हूं बिजनेस प्रोसेस भी एग्जिस्ट नहीं करता था. पहले इट वॉज ऑल अबाउट रिव्यूज मिलने चाहिए, अनबायस्ड रिव्यूज मिलने चाहिए, ताकि हमारे कस्टमर्स सही डिसीजन ले पाए कि जोमैटो पे गया मेरे को सही रिव्यू मिला इसलिए मैं सही रेस्टोरेंट तक गया. बराबर है कि नहीं है? पैसा कमाने का तरीका ही नहीं था, पैसा कमाने का तरीका सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू था. ज्यादा से ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे आएंगे रिव्यूज पढ़ने के लिए, तब हम चीजों को एडवर्टाइज करेंगे और हम पैसा कमाएंगे. दैट वॉज अ ओरिजिनल बिजनेस मॉडल, नॉट अ ग्रेट बिजनेस मॉडल. फ्रॉम देयर टू वेयर दे आर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. फ्रॉम देयर टू अक्वायरिंग ब्लिंकिट, डोंट थिंक बिजनेस मॉडल्स कितने इवॉल्व होते हैं. बराबर है कि नहीं है? कितना सिग्निफिकेंटली इवॉल्व होते हैं. अब अगर मैं बोलता हूं जब मैं धंधा शुरू कर रहा है तब मैंने प्रोसेसेस बनाया, जब मैं ऑटोमेट करने के लिए गया रिव्यू वाले मेरे बिजनेस प्रोसेस को, और मुझे समझ में आया एक्चुअली वो प्रोसेस मेरे लिए इतना रिलेवेंट रहेगा ही नहीं. आज जोमैटो पे रिव्यू आता है, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं आता है, बट उससे ज्यादा रिलेवेंट अदर चीजें हो गई है. बराबर है कि नहीं है? ऑनलाइन डिलीवरी मेरे लिए इक्वल इंपॉर्टेंट बन गया है. जोमैटो प्रो जो तुम्हारा चलता है कॉन्सेप्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है. बराबर है कि नहीं है? धीरे धीरे वो अलग अलग चीजों में एंटर करते जाएगा. तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मैं उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहा हूं जिन प्रोसेसेस का वैल्यू ही एक पॉइंट के बाद कम हो जाएगा. सो आई शुड नॉट स्पेंड सो मच टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन दोस प्रोसेसेस जो एक्चुअली में उतने ज्यादा रेलेवेंट ही नहीं रहेंगे फ्यूचर के अंदर. इसीलिए आपका मैनेजमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, आपका फ्यूचर प्लानिंग और आपका आईटी का डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा आगे का बिजनेस प्लान कुछ और है और टेक्नोलॉजी में पैसा कहीं और खर्च हो रहा है, तो फायदा नहीं होने वाला है. देखो समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट ऑफ एन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट कि वो कोई प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे विदाउट कंसिडरिंग कि एक्चुअली वो प्रोसेसेस आगे फ्यूचर में नेसेसरी रहने वाले हैं क्या, क्या वो वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं क्या. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हम वो प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देंगे जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा ही नहीं आने वाला है. उधर हम रिसोर्सेज और टाइम इन्वेस्ट कर देंगे पर अगर फ्यूचर में आरओआई अच्छा नहीं हुआ तो फायदा क्या है? उससे बेटर आई शुड इन्वेस्ट दिस मनी समवेयर एल्स. अरे हाँ है ना. और अगला वाला पॉइंट मजेदार है, एक चीज बहुत बढ़िया है. हो सकता है कुछ प्रोसेसेस इतने डेंजरस हैं कि एक इंसान का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंसान का नॉलेज और इंसान का अंडरस्टैंडिंग है ना, वही सब कुछ है और इसको आईडी नहीं आता तो ये तो डेवलप कर नहीं सकता है, और जो डेवलप करने वाला है वो उसको समझ नहीं सकता है. अरे तुम समझ रहे हो क्या मेरा बात? सी I know what I want to make, but I don't know how to make. I hope you are understanding my point. So vision is there, but I don't know the process of execution. The one who can execute cannot understand my vision, because the knowledge or the understanding involved can be, and this happens normally in those businesses जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग involved रहते हैं, and it's the person who has dealt with all of them, it's the person who knows everything in and out about the business, वही इंसान ही explain कर सकता है, और वही इंसान को शायद technology इतना नहीं समझता है, and the one who understands tech cannot really understand this person, so it can become little time consuming, it can become little dangerous, क्योंकि ये जो explain करेगा सामने वाले को आधा समझ में आया तो कुछ और ही output आएगा, ये खुश तो होने वाला नहीं क्योंकि जिसको जो चाहिए वो match नहीं होगा. I hope you are understanding my point. क्योंकि expectation जो set कर रहा है उसका understanding transfer होना बहुत आसान नहीं होगा. देखो some business processes and task requires high amount of tacit knowledge. That is, it cannot be documented, it cannot be easily transferred from one person to another. Therefore, you have to seek employees to use their what, sir? Personal judgment. और जहां पर इस तरीके का judgment involved है, इस तरीके का experience involved है, जो easily transfer नहीं किया जा सकता है, तो आप automation easily नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले को explain ही नहीं कर पाओगे, मुझे चाहिए क्या? समझा क्या मेरा बात? तो मतलब मेरे लिए ये challenge बन सकता है कि मैं automate करना चाहता हूं, but the path is not simple. I'll give an example. We wanted, and years back, huh? This is not today, I'm talking about 2019, we hired a consultant. So humne kya bola? We actually want to create a Netflix for CA.
कि एक्चुअली में जो कंटेंट रिकॉर्ड हो रहा है इसको कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो बहुत घटिया है। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ बहुत खराब है कि पहले ये कंटेंट रिकॉर्ड होता है, साइज इज गुड 10 to 12 GB, फिर उसको हम करते हैं कंप्रेस, कुछ कुछ जगह पे पहले एडिटिंग भी होता है फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद होता है इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन के बाद होता है अपलोडिंग, फिर आप करते हो सेम चीज को डाउनलोड, समझ रहे हो, फिर आप करते हो डिक्रिप्ट, आपको पिन देते हैं, फिर वो लेक्चर होता है प्ले। इन दिस प्रोसेस कहीं ना कहीं डेटा लॉस हो सकता है, कहीं ना कहीं डेटा में लैग आ सकता है, कहीं ना कहीं अनयूजुअल एरर्स आ सकते हैं। एग्जाम्पल, सब बढ़िया बनाए तेरा एंटीवायरस सपोर्ट नहीं करता है मेरे प्लेयर को, समझ रहे हो मेरा बात, तो मेरे प्लेयर को ओपन ही नहीं होने देगा, समझ रहे मेरा बात, या मेरे प्लेयर को एंटीवायरस सपोर्ट करता है, तेरा एंटीवायरस खत्म हुआ तूने नया एंटीवायरस लगाया वो सपोर्ट नहीं करता है, एनीथिंग कैन हैपन, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। या फॉर एग्जांपल तेरे डिवाइस का जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो मेरे वीडियो को रन नहीं कर पा रहा है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। क्यों ना लिटरली आपने वेबसाइट पे गया सब्सक्राइब किया देखा सब्सक्राइब खत्म किया हटा दिया, समझ रहे मेरा बात, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेब DRM, उसको बोलते हैं वेब DRM, दैट इफ आई एम प्लेइंग और you know, let's say you're using a Netflix or a Hotstar. You ever try to do screen recording on Hotstar? Have you done that? Screen recording on Hotstar doesn't work. It will stop automatically. होता है कि नहीं होता है? You try on Netflix, it will stop up to some extent. समझ रहे हो मेरा बात? But Netflix has become too big to care. They say it's okay. There is always a Telegram. We know that. I know everything. Don't worry. So in simple terms, उसको मालूम है जिसको bypass करना bypass करेगा, जिसको पैसा देना पैसा देगा। जो पैसा देगा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेरे को उसके बारे में सोचने का है। सो व्हेन वी वेंट टू अ कंसल्टेंट, उसको बोला कि मेरे पास एक बच्चा है जो फेस टू फेस वाला भी है, एक बच्चा है जो लाइव ऑनलाइन वाला भी है, एक वो है जो रिकॉर्डेड भी देखेगा, टेस्ट सीरीज अलग अलग होगा आइडियली। वो बोला प्रॉब्लम क्या है तुम लोग का, बट व्हाट ऑल यू वॉन्ट ऑल ऑफ दिस इन वन प्लेस, एंड यू वॉन्ट कि बच्चे को जब मैं चाहूं तो फोन पे एक्सेस मिले, जब मैं चाहूं लैपटॉप पे एक्सेस मिले, जब मैं चाहूं आईपैड पे एक्सेस मिले, लैपटॉप भी मैकबुक हो सकता है विंडोज, too much of an expectation. You're understanding my point. And multiple aspects are required. They created something, but they could not create a security for laptop because web DRM is very expensive. Then you have the problem of cost benefit. If you're going to spend, let's say 10-15 crore rupees to create web DRM, you get my point. Ab wo paisa kitne time mein recover kar payega? Or what if the future changes and the expectation changes? Are you understanding my point ideally? So, हमने LMS जब बिल्ड करना शुरू किया था 2019-2020 में, अपने को फंडा एकेडमी नाम सुना होगा, मतलब आपके ऐप के अंदर भी लिखा, दैट इज बेसिकली द LMS व्हाट वी वांटेड टू क्रिएट। वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5-2 years, जब मैं अलग अलग लोगों को रीच आउट करते रहे, वो ये जो मेरा अच्छा IT का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उस प्रोसेस के दौरान ही हुआ और ज्यादा डिटेल के अंदर, बिकॉज व्हेन यू डील विद IT कंसल्टेंट्स यू बिकम मोर इंक्विजिटिव, यू आस्क देम मोर क्वेश्चंस एंड यू लर्न फ्रॉम देम बिकॉज दे आर द वन हु आर डूइंग IT बिजनेस ऑन अ डेली बेसिस। वो तुमको बढ़िया समझाता है, उससे क्वेश्चन पूछ पूछ करके समझ समझ करके हमको समझ में आया कि कुछ कुछ इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस के अलग अलग प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, सब एक जगह आ ही नहीं सकते हैं, आप कितना भी ट्राई कर लो, या अगर साथ में आएंगे इट विल बी सच एन एक्सपेंसिव प्रोसेस दैट इट विल नॉट गिव यू गुड ROI। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो इन रियलिटी ऑटोमेटिंग अ रिडंडेंट प्रोसेस इज एक्चुअली अ वेरी टफ जॉब, एंड ऑनेस्टली जब तक आप बैठ के सामने वालों को एक्सप्लेन नहीं करोगे उसको समझेगा नहीं तेरे को चाहिए क्या। I hope you are understanding my point. So you should be able to transfer everything. वो हमको होमवर्क देता था मालूम है क्या? उसने मतलब क्या बोला? तुम्हें क्या चाहिए? पहले तुम आराम से 15-20 दिन ले लो जिंदगी में और डॉक्यूमेंट करो। मतलब किसी ने मेरे को 2012 के बाद काम पे लगाया लिटरली। 2012-2013 I left Deloitte, 2013 ending I still remember. हाँ 2013 ending. उसके बाद मेरे को किसी ने काम पे लगाया जिंदगी में कि तेरे को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा बैठ करके। This happened after years. Tough. Obviously, you're not used to it. But then I realized, yeah, actually, if I don't explain सामने वाले क्या चाहिए, वो बोला तुम कितना भी excited होके explain कर दो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। You have to write step by step what your user wants. Create different types of users. Define step by step what you want. I will tell you whether it is possible or not. I will tell you if it's possible at what cost. And then we will talk. That's how a consultant talks. Are you understanding my point? थोड़ा बात समझ में आया क्या? Notebooks में जाइए, given exciting. Steps to implement a BPA हो गया है, नीचे नोट नंबर 1 हो गया है, नेक्स्ट हेडिंग चैप्टर 1 में ही है, अगला हेडिंग लिखिए चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन BPA, चैलेंजेस
इन्वॉल्व्ड इन बीपीए, चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बीपीए, पॉइंट नंबर ए, मतलब पॉइंट नंबर वन, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट डैश करके लिखो। बीपीए प्रोसेस, बीपीए प्रोसेस मे बी एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, बीपीए प्रोसेस मे बी एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन सिंस, एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन सिंस इट विल रिक्वायर, सिंस इट विल रिक्वायर acquisition, since it will require acquisition or development, acquisition or development of automated systems, acquisition or development of automated systems and special skilled employees, and special skilled employees to operate and maintain these systems, special skilled employees to operate and maintain these systems, to operate and maintain these systems. मैं कुछ दिन आपको रेगुलरली ऐसे लिखवाते रहूंगा ताकि आपको समझेगा कि कैसे आपने पहले कौन से पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। हेडिंग आपको देखो वैसा का वैसा पिक करना पड़ेगा, बट आप नोटिस भी करोगे हेडिंग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कॉम्प्लिकेटेड कि आप हेडिंग नहीं समझ पाओगे। हाँ, अंदर का कंटेंट हमें कैसे पिक करना है, सेंटेंस कैसे बिल्ड करना है, यही आपको ऑन अ डेली बेसिस सीखना है। जब आप सेंटेंस लिख रहे हो प्लीज क्लोज माइंड से मत लिखो, लिखने के बाद एक बार पढ़ो, सेंसिबल लगता है क्या। आप घर जाकर के एवरी डे सिर्फ अगर 15 से 20 मिनट कंबाइंड बोल रहा हूं फॉर ऑडिट ईआईएस स्पेंड करते रहोगे, यू विल कीप अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव रिटन। स्लोली स्लोली दैट अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू सो मच टू राइट ऑन योर ओन। एंड हर दिन जो होमवर्क दे रहा है ट्राई करते रहना रीड करने के बाद लिखने का। आफ्टर 15-20 डेज गाइस एक अच्छा प्रैक्टिस बिल्ड होगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो। इफ यू सडनली ट्राई आफ्टर 2.5 मंथ्स ऑब्वियसली यू विल बी इन ट्रबल, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली, देन नो वन कैन हेल्प यू, देन इट्स प्योरली योर लक कि पेपर इजी आ गया, तेरे को जो समझता है तूने वो लिखा, सामने वाले को समझ में आ गया और तो पास हो गया। देन इट्स अबाउट लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, मैं पढ़ रहा हूं समझ रहा हूं, सिंसियर हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, सुन भी रहे हो, सो भी नहीं रहे हो एटलीस्ट आंख खोल के, तो जो अगर समझ रहा है उसको अगर कंसिस्टेंटली एक दो बार पढ़ लिया इट शुड वर्क फॉर यू। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? पॉइंट नंबर टू, स्टाफ रेजिस्टेंस, स्टाफ रेजिस्टेंस डैश करके लिखो, स्टाफ रेजिस्टेंस। Staff may see BPA, staff may see BPA as a threat to their jobs, as a threat to their jobs, or a way of reducing their decision making power, or a way of reducing their decision making power, full stop, continue. BPA will also provide, BPA will also provide a greater visibility, BPA will also provide a greater visibility of the business process, of the business process to the management, so that, to the management, so that they can make informed decisions, so that they can make informed decisions.
आपको बस पूरे सारा कंटेंट में से बढ़िया एक दो लाइन पिक करने का है, एक्सपेक्टेशन क्लियर है, हेडिंग होना चाहिए, उसके अराउंड लॉजिकल दो लाइन होनी चाहिए. इफ यू डू दैट, ट्रस्ट मी, आपको सरप्राइजिंगली इतना ज्यादा नंबर आ जाएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. आई मीन दैट इट्स अ सिंपल ट्रिक, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. स्कूल के अंदर इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ाते थे और बोलते थे उसको समराइज करो. प्रॉब्लम ये था, पैराग्राफ ही नहीं समझता था, समराइज कैसे करूं, समझ में आया मेरा बात? सो जितना समझा उतना मैंने उठाया, वो मेरा समरी है. फिर वो पूछते थे इस वर्ड का मतलब क्या है, दिस इज सिमिलर टू व्हाट, ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आधा सब्जेक्ट वैसा है, समझ में अगर आ गया तो आधी से ज्यादा चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. उसके लिए स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, उसके लिए कंसिस्टेंट मेहनत करते रहने का. पॉइंट नंबर 1 and 2 क्लियर है? नंबर 3, डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस. डैश करके लिखो, सम बिजनेस प्रोसेसेस, डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस. डैश करके लिखो, सम बिजनेस प्रोसेसेस मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एट अ स्पेसिफिक स्टेज एट अ स्पेसिफिक स्टेज ड्यूरिंग ऑटोमेशन. During automation, since re-engineering is essential, for BPA. Brackets में लिखो, एक concept है, SM के अंदर आएगा, उसको बोलते हैं BPR. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यही कॉन्सेप्ट जो है ऑटोमेशन का एसएम के अंदर नए नाम से आएगा. ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, बस थोड़ा स्टेप्स बदल जाएंगे, मतलब सेम रहने वाला, उसको बोलेंगे बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. अरे री इंजीनियरिंग मतलब ऑटोमेशन, उधर बताएगा री इंजीनियरिंग के लिए आईटी चाहिए, अरे आईटी मतलब ऑटोमेशन. पर प्रॉब्लम क्या है, एसएम लिखने वाला ऑथर अलग है, ईआईएस चैप्टर 1 का ऑथर अलग है, उसको मालूम नहीं इसने क्या लिखा है, इसको मालूम नहीं उसने क्या लिखा है. बात समझ में आया है क्या? पर अनफॉर्चुनेटली सब्जेक्ट भी एक है, पेपर भी एक है. किस्मत कितनी अच्छी है, बीपीए के स्टेप भी पूछ लिए, बीपीआर के स्टेप भी पूछ लिए. इधर भी 6 मार्क सेम नहीं है, क्लोज है. इधर भी 6 मार्क, उधर भी 5 मार्क, बहुत हो गया. यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ऐसा है लिटरली, और ऐसा हुआ भी, एक पेपर दोनों है. तुमको बता रहा हूं कि नॉर्मली सब्जेक्ट्स को अभी आप इतना इन डेप्थ पढ़ रहे हो तो आपको जरूर समझेगा कि वर्ड कौन सा किधर जा रहा है, इसीलिए कुछ वर्ड्स को पिक करके लिखना बहुत जरूरी है. लास्ट पॉइंट नंबर 4, automating redundant processes. डैश करके लिखो, sometimes BPA can be applied to business processes without considering how valuable they are to a business. Without considering how valuable they are to a business. बस खत्म, एक सेंटेंस से खत्म हो गया. इसके नीचे फुल स्टॉप, वो लाइन छोड़ दो, अगले लाइन पे पॉइंट हेडिंग सेम ही रहेगा. इस एक हेडिंग में 2 चीजें लिखी हुई है, ये पहला चीज था. अब दूसरा चीज इसी पॉइंट के अंदर, समटाइम्स अ बिजनेस प्रोसेस मे रिक्वायर, अ बिजनेस प्रोसेस मे रिक्वायर प्रोफेशनल जजमेंट और tacit knowledge which may not be easy, which may not be easy to document or transfer
विच मे नॉट बी इजी टू डॉक्यूमेंट और ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ ऑटोमेशन विच मे नॉट बी इजी टू डॉक्यूमेंट और ट्रांसफर फॉर द पर्पज ऑफ ऑटोमेशन. कि सर वो डॉक्यूमेंट करना ही मुश्किल हो सकता है या किसी को समझाना ही मुश्किल हो सकता है, इसीलिए ऑटोमेशन करना और चैलेंजिंग हो सकता है, या अगर होगा ऑटोमेशन तो वो इनकम्प्लीट होगा, इररिलेवेंट हो जाएगा. क्या आपको बीपीए के चैलेंजेस समझ में आए क्या? टुमारो विल प्रॉब्ली स्पेंड 15-20 मोर मिनट्स, बेनिफिट्स वगैरह बढ़ेंगे बीपीए के, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड यू विल रियलाइज चैप्टर वन का पांच पार्ट में से जो पार्ट ए था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. इज दैट क्लियर टू यू? Are you feeling comfortable? Yes. थोड़ा स्लो होगा, एफर्ट डालने का, पढ़ते रहने का, एंड यू शुड बी फाइन. होमवर्क करके आने का. सी यू इन ऑडिट इन सम टाइम. थैंक यू गाइज.